शरा के तो सर से लगी तलवों पे भुची तन फन करती उसके सामने आई और उसके हाथ से हेयर ब्रश छीन लिया तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे पीसी और को हाथ लगाने की तुम्हारा पीसी और सीडी इतनी भी मोतबर चीजें नहीं कि मैं उनको हाथ लगा लगा के हासिल करूँ ब्रश वो उसके हाथ से छीन कर दोबारा बाल सँवारने लगा लेकिन ये मशकला अपना वो जारी ना रख सका क्योंकि ब्रश फिर अंशरा के हाथ में था फिर मेरी सारी सीडी बिखरी क्यों पड़ी है जिन रहते हैं वहां या फरिश्तों का नजूल हुआ था फरिश्तों की तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ वो नहीं आ सकते हाँ जिनों के बारे में शोर नहीं हूँ वो वहां आ सकते हैं आखिर उनकी गर्लफ्रेंड रहती है इस कमरे में और ये जुमला कहते साथ ही वो हिफाजती इकदाम करना नहीं भूला था क्योंकि जानता था अब क्या होने वाला है बीमारी भी क्या चीज है इंसान के सामने नियमत खुदाबंदी पड़ी हो और वो चख ना सके इतनी बेबसी

वो पार्क वाली वैसे देखने में तो बड़ी अल्लाह लोक लगती थी वो अपनी ही हाके जा रहा था बड़े बदमाश हो गए हो तो उन्होंने खुशियाते हुए उसकी कमर पे थप लगाई जीनत दादा पोते को हंसते देख कर मुस्कुराते हुए किचन में चली गई वलीद का नाश्ता लाने वैसे आइडिया बुरा नहीं पर खुददार आवाज़ दबाते हुए दादाजी ने शोखी से कहा अब मैं आपको वो नहीं कह सकता जो आपने भी थोड़ी देर पहले मुझे कहा है वो हंसते हुए कहने लगा वैसे तुमने ना कहते हुए भी कह दिया है

काहलों की तरह बड़ा सोया रहे वलीत के चलते सीने पर अब्बाजी यख पानी के गोया छिंटे मार रहे थे जकाल आती हूँ उसे अब्बाजी मना तो बहुत करती हूँ उसे इतनी देर सोने से मगर आप जानते तो हैं ना उससे जैनब शर्मिंदा सी कहती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी कल से वो हमारे साथ वॉक पर जाया करेगी बता देना उससे शहादत की उंगली से वो जीनत को कहते कुर्सी से उठ खड़े हुए अनशरा समी साहिबा आप आई ना ऊंट माउंट एवरेस्ट के नीचे अब्बाजी के हुक्म पर सरशार वलीद सफ़ी के दिल ने कह कहे के साथ मुहावरे की मट्टी पलीत की ये सारा किया धरा इस वलीद के बच्चे का है बदला ले रहा है मुझसे चौकिंग ट्रैक पर अब्बाजी और वलीद से तकरीबन पाँच कदम पीछे चलती कम भागती ज्यादा अंशरा के दिमाग में ये बागियाना सोच उस वक्त से कुल बला रही थी जब से अब्बा उसकी नींद से भरी आंखों की परवाह किए बगैर उससे वॉक पर ले आए थे नहीं छोड़ूंगी तुम्हें वलीद दिल ही दिल में उसे धमकी देती वो बेहाल होती जा रही थी बी क्विक इंशा अब्बा जी की आवाज़ पर उसके कदमों की रफ्तार पड़ गई वलीद के लबों पर उभरने वाली शातराना मुस्कुराहट देख कर वो सारा गुस्सा जॉगिंग ट्रैक पर उतारने लगी सोचा था पेपर खत्म होंगे तो खूब इंजॉय करूँगी खूब सोऊंगी अपनी मर्जी से वक्त गुजारूंगी मगर कहाँ जी इस घर में तोती की सुनता कौन है इस घर में तो सब कुछ वलीद ही है फरमा बरदार अगर उसकी मकार दादाजी को बता दूँ तो कानों को हाथ लगाए वो मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा है सड़ा पेंगन ना हो तो हर रोज जॉगिंग करते हुए उसके कदमों के साथ दिमाग भी चलता था ऐसी बातें वो सिर्फ सोचती थी कहती नहीं थी मगर आज उसने फैसला कर ही लिया कि वो दादाजी को साफ साफ कह देगी कि वो घर के लॉन में ही वॉक कर लिया करेगी यहाँ नहीं आना उससे वो कौन सा एथलीट बनने जा रही थी सो पार्क में लगे संगी बेंच पर दादाजी के साथ बैठते ही वो बोल पड़ी दादाजी मैंने एक फैसला किया है तुम्हारे फैसले का मरकजी ख्याल वॉक पर ना आना है ना दादाजी मैं बात आपसे कर रही हूँ एरो, एरो को बोलने की जरूरत नहीं बीच में उसको कुछ कहने की बजाय वो दादाजी शिकायती लहजे में बोली तुम चुप रहो वलीद हाँ बेटा बोलो वो वलीद को डांटने के बाद उसकी तरफ जी, जी नहीं तुम अपनी चोंच बंद रखो तो मैं दादाजी को बताऊं कि मैंने फैसला किया है कि मैं हर रोज वॉक पर आया करूंगी क्योंकि मैं बहुत फ्रेश रहती हूं दांत खूब खिचकिचा कर और वलीत को घूर कर उसने अपना किया हुआ फैसला तब्दील करके सुनाया अगर वो ऐसा ना करती तो वलीद को अपना अंदाज़ा दुरुस्त साबित होने पर खुश होने का मौका मिल जाता और ये उसे गवारा ना था हाँ मगर उसके दिल ने हसबी मामूल वलीद को खूब गालियों से नवाजा दादाजी अलबत्त उसके फैसले को सराह रहे थे और वलीद बाएँ हाथ की उंगलियों से दोनों कानों की लोएँ बारी बारी छूते मलामती अंदाज़ में तोबा तोबा का व्यत कर रहा था आज अंशरा साहिबा अपनी वालदा मोहतरमा को हैरान करने के लिए किचन में मौजूद थी और ये सब इस वजह से था कि कल मामा ने खूब फुर्सत से उसकी फुर्सत को निशाना बनाया था हालांकि फारिक वो हरगिज़ ना थी रसायल और मैगजीन पढ़ना भी तो काम है ना मगर मामा को कौन समझाए माँ और ताई सारा दिन का में मूफ होती थी, थी मगर तुम्हें तो फीक नहीं हुई कभी, कभी के हाथ ही बटा दो मामा उससे लताड़ रही थी दो दो औरतें पहले ही किचन में घुसी होती हैं मैं भी चली जाऊँ तो काम कैसे होगा इतना फंस के आवाज़ उसके दिल से आई थी जिससे उसने छड़क के चुप करवाया था तुम्हारी का एहसास भी दिलाया हो नाश्ते के लवासमत जैनब और जीनत ने ही तैयार किए थे वो बदसलीका नहीं थी और ये बात वो दोनों भी जानती थी पहले तो पढ़ाई की वजह से उसे किचन से दूर रखा लेकिन अब जैनब का ख्याल था कि उसे जिम्मेदारियां निभानी आना चाहिए और इसी ख्याल को अमली जमा पहनाने के लिए अंशरा चिकन फ्राइड राइस बनाने में अजहद मसरूफ थी शामी कबाब बना के फ्रीजर में रखे और मीठे में रस मलाई बनाई आज घर वालों को शानदार डिनर डिनर कराने जा रही थी वो तैयार था सबने दिल तारीफ की दादाजी ने तो पांच सौ रुपए भी दिए सारे दिन की थकन उसे उतरती महसूस हो रही थी मामा और ताईमा फखर से उसे देख रही थी काश सड़ू भी घर पर होता तो खूब चलता आज पहली बार उसे वलीद वलीर मौजूदगी अच्छी नहीं लगी थी सबको दादाजी के कमरे में चाय देकर वापस आने लगी तो वलीद भी आ गया अनशरा वलीद को खाना दो मामा की आवाज पर उसको गुस्सा तो आया मगर आज मूड अच्छा था सो हुक्म अदूली ना कर सकी सारा दिन लगा के ये मलगुबा बनाया है तुमने लुकमा लेने से कबल ही वो प्लेट में चमचा हिलाता उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर चुका था वो तो सतमे से गिरने ही वाली थी मगर फौरन संभली बंदर क्या जाने चिकन फ्राइड राइस का स्वाद खोखों पे बैठ के मक्खियों की संगत में खाना खाने वालों को ऐसा खाना मिले तो वो ऐसा ही कहते हैं अंशरा का रद्दअमल गर्मतवे नहीं था एक्सक्यूज मी क्या कहा चिकन फ्राइड राइस इतने डिसेंट नाम वाली इतनी लजीज डिश की यूं तो हिन्दो तो ना करो फोहड़ लड़की किचन में उसकी मौजूदगी का वो खूब फायदा उठा रहा था अंशरा से मजीद बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था उसने भड़कर उसके हाथ से प्लेट छीन ली फोहड़ होगी तुम्हारी होने वाली अल्लाह करे उससे करेले बनाने के अलावा कुछ आता ही ना हो फिर मैं तुमसे पूछूं जला के वलीद के सीने में पड़ने वाली ठंड ने उसके लबों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया उसके हाथ के बने हुए करेले कम से कम तुम्हारे इन चिकन फ्राइड राइस से बेहतर ही होंगे चिकन फ्राइड राइस पे भरपूर जोर देता वह उससे सुलगा गया उसकी आंखें भर आई जा रहा हूँ और हाँ मेरी फिक्र ना करना खाना मैं खा के आया हूँ आज दोस्त ने डिनर दिया है पीसी में सुकून से कहता वो किचन से निकल गया लेकिन अंशरा का सुकून बर्बाद हो चुका था ताई माँ उसके सर में अच्छी तरह तेल डालने के बाद अब बड़े प्यार से उंगलियां चला रही थी जिससे एक सुकून सा अंशरा के अंदर उतर रहा था अगर वो अपने घने लंबे और चमकदार बालों का क्रेडिट ताई माँ को देती थी तो सही देती थी जीनत को शुरू से ही बेटी का शौक था और वलीद की पेदाइश के बाद शदीद ख्वाहिश थी लेकिन वलीद की माँ को सिर्फ वलीद की माँ ही रहना था सो ये ख्वाहिश हसरत बनने लगी मगर अनशरा की आमद उन्हें अपनी आर्जुओं की तकमील लगी जैनब से ज्यादा उन्होंने अनशरा को पाला उसके बाल सवारती बड़े शोक और मोहब्बत से उसके फ्रॉक सीती उसके लिए तरह तरह की खरीदारी करती और उससे सवारती रहती दूसरी तरफ जैनब को बेटे की ख्वाहिश थी तो उन्होंने वलीद को अपनी मोहब्बतों का महवर बना लिया वो इसी तरह की बेलोस मोहब्बतों की जंजीर में जुड़ा खानदान था मगर ये जंजीर हिलने लगी जब अनशरा और वलीद की तोपोह से अल्फाज के गोले निकलते मगर वो फिर भी मुतमिन थे क्योंकि ये गोले इस छोटे से आंगन की रौनक थे मामा क्या हो रहा है वलीद अपने कमरे से निकला था इतवार होने की वजह से वो घर पर ही था आंखें देखने के लिए होती हैं देख लो ताइमा की बजाय उसने जवाब दिया था क्योंकि उसकी आमद उसे हाँसी नागंवार गुजरी थी वैन सामने सोफे पर लेट चुका था एक्सक्यूज़ मी मैं अपनी मामा से पूछ रहा हूँ आपसे नहीं आप अपनी जुबान को तकलीफ मत दें तंज की तीर पर साथ वो मामा की नजरों को मुसलसल नजरअंदाज कर रहा था हाँ तो मामा मैं कह रहा था वहां तो पहले ही अल्लाह की काफी देन है मोहतरमा सही लट्टों वाली तो वो पहले ही मशहूर है मैंने कहा कि अपना दस्ते करम बीमार इधर भी फरमाए अपने झड़ते बालों वाले सर पर हाथ फेरता वो मामा की त्वचा चाह रहा था रहने दे ताई माँ। उसने झटके से सर पीछे किया वाकई मुझसे ज्यादा मोहतरम गंजे सरकार को इन रोगनियाद की जरूरत है हिसाब बराबर करती वो कारपेट से उठकर सोफे पर आ गई गंजे सरकार के हताब पर ताई माँ के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई वलीद शाकी नजरों से उन्हें देखलेगा जिस पर वो महज कंधे उचका कर रह गई इंशराब बहुत बदल लिहाज होती जा रही हो तुम और लापरवाह भी की चिड़ा रहा था मामा आप तो इसकी ही साइड लेंगी ना खुशामत जो करता रहता है वक्ता वो वक्ता उसने माँ को जज्बाती करना चाहत की बची कोई काम ठंग करो तो तुम्हारी साइड लू ना क्या हुआ जैनब क्यों डांटे जा रही हो बच्ची को जीनत उसकी मदद को बढ़ी डांटू ना तो क्या करूं बाजी ये देखें उन्होंने हाथ में पकड़ी कमीज तो का दामन सीधा करके दिखाया दामन में बिना गला देखकर उनकी हाय निकल गई ये आपकी चहेती ने कपड़े इसी करने का एहसान किया था कल मुझ पर और ठिटाई देखें बड़े सलीके से तय करके फिर रख दी जलाने के बाद वो अफसुरदा लहजे में बोली मैं क्या करती स्त्री बहुत गर्म हो गई थी अचानक ही हो गया वो वाकई शर्मिंदा थी चिच चि यानी इसत्री का कसूर है वो ही गर्म हुई थी आपको तो कोई कसूर नहीं चच्ची माँ महंगी कमीज़ थी ना वलीद की जुबान में भी खुचड़ी हुई हाँ तो और क्या मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी चीज़ इसके हाथ में दो और उस पर बेशक फातिहा पढ़ लो वो अभी भी कमीज़ को देख देख कर उसे कोस रही थी तुम चुप रहो तुम्हारी कमीज़ तो नहीं जलाई ना अपनी माँ की जलाई है तुम्हें तकलीफ वलीद के सामने डांट खाने पर होने वाली हुफत मिटाने के लिए वो उस पर चढ़ दौड़ी जुमले पर गौर करें मोजिज हवादीन जलाई दीदा दलेरी देखें कमीज जलाई यानी इरादा तन जलाई है चचीमा ये कमीज इसने आपसे मांगी तो नहीं थी उसके गुस्से को हवा देता वो चची माँ से पूछ रहा था वलीद ताई माँ ने तनबी की लेकिन अब तनबी का फ़ायदा कोई नहीं था क्योंकि अब इन शरा फॉर्म में आ चुकी थी। तुम दोनों अपने दोनों कान खोल कर इंतहाई से मेरी बात सुनो दादाजी के हुक्म के अहम मुताबिक अंशरा ने अपने दोनों कान खोल लिए एक सुनने के लिए और दूसरा निकालने के लिए क्योंकि दिल इतना खुश था कि कोई नसीहत सुनने के मूड में नहीं था तुम दोनों बाकायदगी के साथ वॉक पर चला करोगे ओके मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर आनाकानी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा सुन रही हो ना इंशा उन्होंने अपने दाएं तरफ चलती अंशरा से कहा जो हमत अंगोश थी जी जी दादा जी फिक्र मत करें आप जाए तो सही बात की बात में देखी जाएगी दिल ने मकाराना जुमला मैं तो आया मकारा दादाजी लेकिन की गारंटी नहीं दे सकता चलते वलीद को न जाने कैसे उसके दिल की खबरें मिल जाती थी ये भी आएगी हर रोज की रिपोर्ट लिया करूंगा फोन पे दादाजी हर साल की तरह इस साल भी ऑस्ट्रेलिया पुप्फो के पास जा रहे थे आबो हवा की तब्दीली के लिए पुप्पो उन्हें बुला लिया करती थी और इसी बहाने खिदमत करके सवाब कमाती रहती थी अब रज के सोऊंगी अपनी मर्जी से जागूंगी खूब मोचे करूंगी। वलीद जैसो की तो मानती है मेरी पुरानी जूती लगाता है शिकायतें तो लगाए मैं साफ कह दूंगी कि झूठ बोल रहा है मैं जाती रही हूँ अपनी उल्टी सी थी सोचों पर खुद को शाबाशी देती अनशरा कतन नहीं जानती थी कि दादाजी उसकी नींदें उड़ा के जाने वाले हैं दो तीन महीनों की सख्त कोशिश के बाद यह खूबसूरत और मुबारक दिन उसकी ज़िंदगी में आया था तकरीबन साढ़े ग्यारह बजे सोकर उठी मजे से नाश्ता किया और अपने कमरे में आ गई वो काफ़ी मुतमयन थी क्योंकि नाश्ते की टेबल पर मिलने वाली खबर ही से इतमान थी कि रिपोर्टर साहब खुद अपना अस्तबल बेच सोए पड़े थे यानी नो दादा नो वॉक इनश्रा ये लो चाय मामा उसके कमरे पर बिमा चाय और इंतहाई नॉर्मल मूड में बात तो बाई से हैरत थी लेकिन इन्शरा ने महसूस न करवाया वो उसके पास ही के किनारे बैठ गई कोई बात करना चाह रही थी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है आज लेट उठी हो काफ़ी से इनशरा से थी जी मामा बस दिल नहीं कर रहा था उठने को मामा की मोहब्बत पर हैरान हो रही थी मगर अपनी आंखों में उमटने वाली हैरत को छुपाने के लिए उसने सर मामा के जानो पर रख दिया गोया लाड उठवाने के मूड में थी जैनब बहुत मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी आगे क्या इरादा है तुम्हारा इंशरह वो किसी बात की तमहित बांध रही थी उनकी पुर से इन्शर समझ चुकी थी मामा मैंने सोचा है कि मास्टर्स में एडमिशन लेने की बजाय मैं शॉर्ट कोर्सेज करूं। वो कभी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रही थी अब भी उसका आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं था पता है अब्बा जी कह रहे थे तुम्हारी शादी करते रैली उसने हैरत से कहा हाँ तुम क्या कहती हो मामा जब आप लोग फैसला कर चुके हैं तो मुझसे पूछने की फॉर्मेलिटी क्यों पूरी कर रही हैं इसलिए कि तुम अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लो बात तो पहले से तय है जब अब्बा जी आएंगे तो बाकायदा मंगनी की रस्म कर लेंगे मामा आज मुझे सच सच बताएं मैंने दादाजी का क्या बिगाड़ा है जो वो मेरे पीछे लग गए हैं वलीद को तो कुछ नहीं कहते पापा उनके सतैले बेटे तो नहीं वो अफसुर्दगी इससे कहने लगी क्या बोलती रहती हो फजूल वो तो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कभी देखी तो नहीं उनकी मोहब्बत वलीद की करे ना शादी पहले दो चार साल बड़ा है मुझसे अभी ये शादी उसके शेड्यूल में कहीं नहीं थी वो दो साल बड़ा है इसीलिए तो हम तुमसे कहते हैं कि उससे तमीज़ से बात किया करो वो मुबहम मुस्कुराहट के साथ उसे समझा रही थी तमीज़ से बात करने के लिए उम्र का फ़र्क ही ज़रूरी नहीं होता और भी गुण होने चाहिए जो आपके चहीते को छू भी नहीं गुजरे वो बिला वजह ही गुस्से हो रही थी अच्छा छोड़ो ये सब अभी मंगनी कर देते हैं अब्बा जी की वापसी पर जब वलीद ऑफिस जाना शुरू करेगा तब शादी कर देंगे तब तक तुम भी जहनी तौर पर तैयार हो जाओ और वो भी अपनी पढ़ाई से फारिग हो जाए वो रसान से मनसूबाबंदी करने लगी एक्सक्यूज़ मी मेरे जहनी तौर पर तैयार होने से वलीद के फारक होने का क्या ताल्लुक है और मेरी शादी से वलीद के ऑफिस का क्या ताल्लुक है उससे कुछ खटक रहा था वलीद से ही तो तय है तुम्हारी शादी मामा ने आराम से धमाका किया क्या झटके से उसने सर उनके जानों से उठा लिया क्या ऐसी ही एक सतमाती दिल हराश चीख वलीद के कमरे के दरो दीवार ने भी सुनी क्या मतलब है आपका मैं इंशरा से शादी सदमे से चूर वो जुमला समझ कर भी नहीं समझ पा रहा था हाँ इसमें हराबी क्या है तुम्हें एतराज है सैनब वलीद के इस कदर अमल पर हैरानी से गोया हुई एतराज एतराजात है मामा जी एतराजात इंशरा को बात हजम नहीं हो रही थी वो रतबुल्लसान थी उस जैसा मुंह फट बदतमी घाम धोकेबस वलीद ऐसे नहीं कहते बेटा वो दिल की बहुत अच्छी है सीनेत वलीद के मुंह से इंशरा की तारीफें सुनकर उसे समझाने वाले अंदाज में बोली हाँ दिल की बहुत अच्छी है मगर ज़बान लावा उगलती है वो सुलग ही तो गया मामा अगर उस दिल की अच्छी का बस चले तो आपके इस लाल को दाढ़ में रख के चबा डाले मेरी इज्जत जिंदगी से गुजर रही है मौत भी इज्जत की चाहूंगा इसलिए मुझे तो माफ ही रखें उसने दोनों हाथ जोड़ दिए इन शराब बच्चे शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा जैनब उसको समझाने की अपनी सी कोशिश में मसरूफ़ थी हाँ सब ठीक हो जाएगा जब मैं अगले जहान पहुँचूँगी तो सब ठीक हो जाएगा उसकी आंखों में जो खून उतरता है मुझे देखकर वो आप लोगों को नजर क्यों नहीं आता बेबसी से उसकी आंखें नम हो गई वो इतना खून हार भी नहीं है तुम्हें तो वो वैसे ही तंग करता है ना अब्बा जी ने किस मुश्किल में डाल दिया था दोनों बहनों को मामा उसकी वकालत मत करें आपने ऐसा सोचा भी कैसे वो मुठियों में बाल भीनचे सतमे से दो चार था ये तो अब्बा जी का फैसला है बेटे जब तुम दोनों छोटे छोटे थे तब से उन्होंने हमारे कानों में ये बात डाल दी थी और हमें कोई इतराज भी नहीं था और ना है जीनत बेटे को उसी सदमाती कैफियत से निकालना चाह रही थी आपको ना होगा इतराज़ मुझे तो है इनशरा तिनक के बोली और दादाजी की तो क्या ही बात है उड़ती हुई मक्खी की नस्ल बता सकते हैं मगर हम दोनों के बीच पाको हिंद जैसे ताल्लुकात नहीं देख सकते इनशरा को सारा गुस्सा ही दादाजी पे था तमीज से बात करो वो तुम्हारे दादा हैं उन्होंने बदतमीजी पर उससे टोका मेरे दादा हैं तो मेरे दादा बने अंडरवर्ल्ड वाले दादा तो ना बने वलीद का बस नहीं चल रहा था सब तहस नहस करते उन्होंने जो भी फैसला किया है सोच समझकर ही किया है देखो इंशरा अपने वालदेन की इकलौती बेटी है वो ही उनके लिए सब कुछ है अगर उसकी शादी कहीं और कर देते हैं तो सोचो वो कितने अकेले हो जाएंगे जीनत नहायत रसान से वलीद को फैसले के महारक बता रही थी आप लोगों को बस अपनी फिक्र है मेरी कोई फिक्र नहीं मेरी क्या ख्वाहिशात हैं क्या ख्वाब हैं इन्शर जैनब की तकरीर सुनकर बिभड़ उठी जैनब की लख्त ठटक गई इन्शर कहीं कोई और तो नहीं एक हदशाह जुबान पर आ गया इंशर उनकी आँखों में देखने देखिए जहाँ पर यकीनी की हल्की सी तय थी ये ही तो गम है मामा कि कोई और नहीं है वो अफसोस से बोली तो जैनब की आँखों से इतमान छलकने लगा मैं आपको बता रही हूँ मामा वलीद की शादी दुनिया की सब लड़कियों से हो सकती है मगर मुझसे नहीं नेवर कतियत से कहती वो बहुत मुख्तलिफ लग रही थी सारी दुनिया की लड़कियों में से कोई एक भी यहाँ आ गई तो हमें बर्दाश्त नहीं करेगी आजकल की, की लड़कियाँ तो सगी सासों को सगी नहीं समझती हमें तो वो जल्द ही चलता बाहर करेगी जैनब जज्बाती हो गई चोटी से पकड़ निकाल बाहर करूंगा अगर उसने आपसे या चची माँ से बदतमीजी की तो वलीद जीनत की बात सुनकर ये बोला आप फिक्र ना करें इस बात की बस मैं इंशरा से शादी नहीं करने वाला फैसला करने वाले अंदाज में वो दोनों हाथ उठाकर बोला तो जीनत एक ठंडी सांस भर कर रह गई अच्छा ठीक है अपने दादा से खुद बात कर लेना हम में तो हिम्मत नहीं है उनका फैसला है वो खुद ही तब्दील करें तो करें जैनब थक हार कर बोलते हुए उठ खड़ी हुई दादाजी से तो बात करूंगी ही पहले जरा उस नील की तो हबड़ लूं जो मुझसे शादी के सपने देख देख कर होश हो रहा है जैनब के निकलते ही वो उसकी खबर लेने के घर से सीढ़िया उतरने लगी वलीद भी शायद इसी मकसद के लिए तन फन करता एक ही जस्ट में दो दो सीढ़िया पार करता किसी से टकराते टकराते बचा अभी संभल भी ना पाया था कि किसी की पाटदार आवाज ने समातों पर हमला किया आंखें हैं या बटन है नजर नहीं आता मैं सीढ़ियां उतर रही हूँ बामुश्किल खुद को संभालती वो उसे लताड़ने लगी मेरी तो आंखें ही हैं तुम्हारे बंटे फिट हैं शायद क्योंकि उतरने वाले को चढ़ने वाला नजर आ जाना चाहिए वो भी तुर्की तुर्की मर्जी में नहीं होने दूंगी, वो पर ये सारे हिसाब बेपाक कर रही थी पहली बात तो ये कि मुझे कोई शौक नहीं है शफकत चीमा की फोटो भी से टकरा टकरा कर फिल्मी सिचुएशन पैदा करने का और दूसरी बात ये कि कौन से नापाक इरादे दोनों हाथ कमर पर जमा कर वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा मुझसे शादी करने का खिलौना आइट के तुम्हारे दिमाग में ही आया है ना ए अरे हेलो इल्जाम सुनकर तो उसका दिमाग ही घूम गया खुश फहमियों की मलिका मैं तुमसे शादी करूंगा शहादत की उंगली से अपनी तरफ इशारा करता वो हैरत से पूछ रहा था है जिससे तुम नीम चढ़े करेले से भी ज्यादा कड़वी लगती हो तुमसे शादी करूंगा वेरी फनी हाँ ये तुम्हारे जहन की एतरा हो सकती है उसने ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि लगे हाँ तो बेजती भी कर डाली इंशरा की आंखों में तो लगने लगी जी नहीं मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती मुझे तो तुम नीले थोते से भी ज्यादा जहरीले लगते हो मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती कुछ जाके शादी नेवर वो नफी में सर हिलाती ही पट बैठ गई वलीद एक मिनट उसे देखता रहा और फिर उससे एक सीढ़ी छोड़कर ऊपर बैठ गया ओके फॉर गेट इट कि okay, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ या तुम मुझे कैसी लगती हो ये तो तय है कि हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते यानी हमारे भड़े हमारे साथ ज्यादा करने के मूड में है वो रसान से गोया हुआ और मैं ये ज्यादा नहीं होने दूंगी किसी कीमत पर नहीं गुस्से से उसकी तरफ रुख मोड़कर कर उससे अपने फैसले से आगाह किया रिलैक्स मिलके सोचते हैं कुछ वो पुरसोच अंदाज में थोड़ी पर हाथ फेरने लगा चलो नीचे मेरे कमरे में बैठ के इसका कुछ हल निकालते हैं वो एकदम उठ खड़ा हुआ नहीं तुम्हारे कमरे में नहीं वहां दीवारों पर लटकी बेहूदगी देख कर मुझे कराहियत आती है वलीद के कमरे में लगी जेनिफर लोपेस की तस्वीर पे उसने नाक से कोड़ कर चोट की जो उसे बिल्कुल भी नहीं भाई तो क्या तुम्हारे कमरे में वलीद ते कर पूछने लगा इनशा ने अस्पात में सर हिलाया तो बोला जहां घुसते ही काफूर की खुशब नतमस्त टकर बेख्तियार कल शहादत पढ़ने पर मजबूर करती है इंशरा के कमरे में हर वक्त एयर फ्रेशनर की फैली थीमी खुशबू को काफूर से तबीर करता उससे दहला ही तो गया वो भी अकलख उठ खड़ी हुई तुमने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें भंगी गलती से खुशबू की दुकान पर चला जाता है और बेहोश हो जाता है तंजिया अंदाज़ में हिसाब बराबर करती इंशरा ने बाज़ू चढ़ा लिए थे और तुमने भी ये बात भी सुनी होगी कि जो लोग साल हर हाँ साल नहाते नहीं वो इन्हीं मसनु खुशबुओं का इस्तेमाल करके खुद को दूसरों के लिए काबिल बर्दाश्त बनाते हैं वो कहाँ कम था वलीद तुम फजूल हो और तुमसे कोई बात करना उससे भी ज़्यादा फजूल है हाथ उठा कर उससे कहती। वो लगी। अपने बारे में भी सुनती जाओ मैडम मियाँ मिठू उसने भी पीछे से हाँक लगाई और सीढ़िया उतरने लगा जीनत सुबह से कई बार वलीद का दरवाजा बजा चुकी थी लेकिन वो खोल ही नहीं रहा था या तो वो बहुत गहरी नींद में था या फिर जानबूझकर नहीं खोल रहा था एहतजाजन एक आध दफा बुरे ख्याल ने भी जीनत के दिमाग पर हमला किया पर उसने झटक दिया बेटे को अच्छी तरह जानती थी वो जज्बाती मगर बेवकूफ़ नहीं तकरीबन साढ़े बारह उसके कमरे का दरवाजा खुला जीनत का सांस जो वह में उसके दिल में डाले थे एकदम खत्म हो गए वो कसल मंदी से चलता लाउंच में रखे बड़े सोफे बड़े लेट पर लेट किया कुशन उठाकर आंखों पर रख लिया लाल आंखे बिखरे बाल शिकन आलूद कपड़े और परेशान हाल रतजे की चुकली खा रहे थे उसका हर अजू बेचैन था जीनत को तासुब ने घेर लिया वो धीरे से चलती हुई उसके करीब आ गई क्या बात है तबीयत तो ठीक है क्वेश्चन उसके चेहरे से हटाकर माथे पर हाथ रख के टेम्परेचर चेक किया जो नॉर्मल था वलीद ने बस हूँ कहने पर इक्तफा किया क्या हूँ यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी आज क्या वो करीब पड़े छोटे सौ पर बैठ गई नहीं क्वेश्चन फिर उसने मुंह पर रख लिया था फिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए वो फिक्रमंदी से पूछने लगी रात को सो नहीं सका नींद ही नहीं आ रही थी आई भी तो सुबह पाँच बजे की अभी भी उसकी आवाज़ में खुली हुई थी जीनत पूछ ना सकी कि क्यों नींद ना आई क्योंकि वो जवाब जानती थी एकदम एकदमोश हो गई मोबाइल ऑफ है तुम्हारा के बाद वो फिर गया हुई हाँ, शायद वो उकताहट से बोला उम्र का फोन आया था पूछ रहा था तुम्हारा उसको क्या मुसीबत हो गई सुबह सुबह वो बिरा वजह ही उम्र पर गुस्सा उतारने लगा अरे तुम्हारी हैरियत पूछने के लिए फोन किया था तुमने कभी छुट्टी भी तो नहीं की पहले यूं बिना बताए उमर उसका बहुत अच्छा और लायक दोस्त था जीनत के ख्याल में उसने ज़िंदगी में ढंग का एक ही काम किया था और वो है उमर से दोस्ती आपको नहीं पता मामा वो कितना मतलबी और ख़ुद गर्ज़ है सब की तरह उससे भी सिर्फ अपनी परवाह है अभी भी असाइनमेंट चाहिए होगी हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है तो वो क्यों पीछे रहे वो ये सब उमर को कह रहा था मगर सुना जीनत को रहा था कुशन मुँह से उठा सर के नीचे रख लिया वो तो बहुत अच्छा है बेटे कितनी हेल्प करता है तुम्हारी आज से पहले तो तुम उससे असाइनमेंट लेते थे खुद ही कहते थे उसने बनाई मैंने बनाई एक ही बात है अब एकदम वो मतलब ही कैसे हो गया जीनत को बेटे का दोहरा मैारसंद ना आया और बेटा जो बात माँ को सुनाने के लिए अपने दोस्त की दुर्गत बना रहा था इस बात का सिफर असर देख कर झंझला गया देखने में सब अच्छे होते हैं पता तो बरतने पर चलता है अब अपने दादाजी को ही देख ले दुनिया देखे तो पोते से उनकी मोहब्बत कर वाह वाह कर के, के। खड़ा अपने भेजे को ठंडा करने की कोशिशों में था और जब ग्यारहवें मिनट में तमाम परेशानी और मंगूसी पानी के साथ बह गई तो एक खुशकुन आईडी ने उसकी खोपड़ी पर दस्तक दी जैसे ही उसने दबाके खिड़की खोलकर उस आईडी पर गौर किया दिल हमक उठा फौरन शावर बंद किया और अपने हजार बार किए हुए की एक दफा फिर तस्दीक की के हर अच्छा आइडिया वॉशरूम में ही आता है बात तो सच है मगर बात है रस्वाई की और इसी रस्वाई के डर से उसने अपना यह कारनामा कभी किसी को बताया भी नहीं था वो जब वॉशरूम से बाहर निकला तो काफी से ज्यादा फ्रेश था जिस मसले ने रात भर उसे सोने नहीं दिया था उसका हल मिल चुका था वो कमरे से बाहर निकला तो जीनत उसे देख हैरान थी अभी थोड़ी देर पहले जिसका रोम रोम कांटा बना हुआ था उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा था जैनब और जीनत ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर सीटी बजाते वलीद को जो उनके पास ही आ बैठा हाई गर्ल्स नाश्ता मिलेगा शोखी से कहता अभी थोड़ी देर पहले वाले वलीद से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था ये टाइम है नाश्ते का धनिया काटती जीनत ने गोया नाराजगी का इजहार किया जैनब उसके तर्जे महातिब पर मुस्कुरा रही थी वो माँ बेटे में होने वाली गुफ्तु से ला थी बाजी मेरे ख्याल में नाश्ता दे देना चाहिए बहुत अरसे बाद किसी ने अरसेब किया है वो मुस्कुराते हुए कहने लगी उनके ख्याल में जागने पर नाराज थी चाची माँ अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं आपको हर रोज यू ही बुलाया करूँगा लिटिल गर्ल शोहर से कहता वो जीनत को हैरान करने पर तुला हुआ था बस बस सभी के लिए इतना ही काफी है अब अपने चाचा के सामने कहना ज़ैनब उसका नाश्ता लाने के इरादे से किचन की तरफ़ जाती कहने लगी यानी आप चाहती हैं चाचा को मेरी दिमागी हालत पर शुभा हो उसने पीछे से आवाज़ लगाई अगर हो भी जाए तो ऐसा गलत भी नहीं ऐसी हरकतें करने वालों की दिमागी हालत पर शुभा ही करना चाहिए ज़ैनब की बजाय जीनत ने जवाब दिया और तेज़ से छुरी चलाने लगी वो उनका इशारा समझ गया फौरन उठकर उनके करीब आया छुरी और धनिया उनके हाथों से लेकर बर्तन में रखे और तसली से गोया हुआ मामा आपको उम्र कैसा लगता है जीनत के हाथ हाथों में लिए वो यूँ पूछ रहा था गोया अपनी मर्जी का जवाब लेकर टलेगा और वो हैसठ चेहरे के साथ गोया हुई और छुरी और धनिया पकड़ लिया मामा मेरी बात मत हो रही मैं तो बकवास कर रहा था वो दर हकीकत अपनी थोड़ी देर पहले वाली कोस रहा था तुम क्या सुनना चाहती हो माथे पर तेवरी हनुस कायम थी सच ये है कि वो इंतहाई सुलझाव और समझदार बच्चा है जिसकी दोस्ती के हकदार कम से कम तुम जैसे एहसान पर लोग नहीं हो सकते जीनत ने की से कहा हाँ ये तो है वैसे वो ऐसा है कि अगर चिराग या ट्यूब लाइट लेकर भी ढूंढे तो ऐसा लड़का ना मिले है ना वो खुशी खुशी अपनी बात की तारीफ चाह रहा था जीनत ने मशकूक नजरों से उसे देखा तुम कहना क्या चाह रही हो सिर्फ नजरे ही नहीं लहजा भी मशकूक हो गया वली थोड़ा सा संभल गया और खनकार कर गला साफ किया और तम सीधा हुआ मेरा ख्याल है मामा अपनी इंशरा के लिए बेस्ट है राजदाना अंदाज में कहता वो उनके करीब हुआ क्या बकवास कर रही हो तुम दिमाग ठीक है तुम्हारा आवाज दबाकर उसके शानदार आइडिया की दाद देने लगी क्या मतलब इतना शानदार लड़का है या फिर कम से कम मुझसे तो अच्छा है ना अभी आपने खुद कबूला था अभी भी वलीद के हाथ में थी हमने तुमसे मशवरा नहीं मांगा तुम अपने काम से काम से है। है तो दुश्मनों वाला कर रही है कोई अपनी बेटी को यूं अंधे कुएं में थकेलता है भला जिस बात ब्लैक मेलिंग से काम लेता वलीद चेहरे पर कर्बनाक तासुर भिलाए। अफसोस से कहने लगा वली से हर वक्त बेपर की हाँगते रहते हो अपना कद देखो और हरकतें देखो लगता ही नहीं कि कुछ अरसे में बाप का बिजनेस संभालोगे संभालोगे क्या डबोगे जीनत जो शुरू हुई तो चुप करवाना मुश्किल हो गया वो कान लपेट कर वहाँ से उठकर और किचन में जाके दम लिया अपने इंतहाई शानदार आईडिया की दुर्कत ने उसे फिर से परेशान कर दिया था पार्क में मामूल के मुताबिक चहल पहल थी मगर आज वलीद और इंशरा यहाँ वॉक की बजाय सोच विचार करने आए थे संगी

सवाल पर बेहद गुस्से से घूरा था उससे क्या मतलब है तुम्हारा तुम मुझे ऐसा समझते हो मैं लड़कों को नजरों में रखने वाली लगती हूँ तुम्हें वो अच्छा हंसा बुरा मान चुकी थी उफ जज्बात मेरा मतलब है कोई तो होगा तुम्हारा आइडियल या नहीं तुमने सोचा होगा कि ऐसा आदमी तुम्हारी जिंदगी का साथी हो वो वजाहत देते हुए बोला हाँ वो ऊपर फिज़ाओं में देखते हुए बोली मुझे जुनेद जमशेद बहुत पसंद है मेरा दिल चाहता है मेरी ज़िंदगी में आने वाला वैसा ही हो और सोचती हुई अपने आइडियल की तस्वीर आसमान पर बना रही थी गोया लो जी तुम्हारा मसला तो हल हो गया वो तेज़ लहजे में हाथ घुटनों पर मारते हुए बोला क्या मतलब वो समझी नहीं मतलब ये कि माई डियर कज़न तुम्हारा आइडियल मिल गया हमारी यूनिवर्सिटी का प्यून है ख़ुद को जुनेद जमशेद समझता है किसी हद तक शक्ल भी मिलती है घर जाते ही चाचा को तुम्हारी पसंद बता देता हूँ मसला हल

आहिस्ता बोलो हम घर में नहीं बैठे बदित ने उसे जल्दी से ढोका पहले मुझे ये बताओ तुम संजीदा भी हो या सब कुछ यूं ही चलने देना चाहती हो वो उसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रहा था तुम से भी ज्यादा संजीदा हूँ इस मामले में वो तुरंत बोली देखो अगर हम लड़ते रहे तो मसला जूं का तू रहेगा लिहाजा ये तय करो कि हम लड़े बगैर पूरी हम आहंगी के साथ ऐसा सॉलिड रीजन तलाश करी कि दादाजी फ़ौरन से पेश तर अपना फैसला तब्दील करते कुछ देर सोच विचार करने के बाद एकदम इन शरा की आंखें चमकने लगी तुम दादाजी के आने तक एक लड़की फंसाओ चक्कर चलाओ और फिर जब दादाजी आ जाए तो उनके सामने पेश करो क्यों है ना जबरदस्त आइडिया वो दात दातल नजरों से उसे देखने लगी लड़की ना होगी रशियन सैलड हो गई मैं दादाजी के सामने पेश करूंगा और वो मुस्कुराते हुए उसमें से थोड़ा सा चखेंगे और मेरे सुखड़ा पे पर सत के वारी होते मेरा माथा चूम लेंगे तेज रहचे में बोलता उसके आइडिया को जीरो कर गया मगर उसने हार कहाँ मानी थी नहीं वलीद तुम भूख हड़ताल कर देना मैं तो कहती हूँ खुदकुशी की धमकी दे डालना वो उससे मशवरों से नवाज रही थी खुदकुशी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी डियर दादाजी मुझे इसका मौका ही नहीं देंगे वो बहुत मोहब्बत से हमारी खानदानी अलामत यानी वो कदीम बंदूक जिसे दादाजी ने जाने से महज दो दिन कबल लटका कर गए हैं निकालेंगे उससे बहुत लगावट से मेरी की शादा पेशानी पर रखेंगे और दाग देंगे और मैं एन आलम शबाब में अनजहानी में नहीं होना चाहता है अमल नहीं करोगे तो वो चुप हो गई धमकी देते देते तो उसने अजनबे से पूछा तो मैं तुम्हें मार दूंगी वो दोनों हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा कर बोली वो सोचने पर मजबूर हो गया लेकिन एकदम चौंक कर उसे देखने लगा अब तुम्हें अपने बाप दादा की पकड़ी और शिमले का ख्याल नहीं आया अपनी दफ़ा तो बड़ी तड़पी वो नजरों से देखते हुए कहने लगा तुम्हें इतना भी नहीं पता हमारे यहाँ बाप दादा की इज्जत गैरत की रखवाली लड़कियों की जिम्मे होती है मर्दों को सब माफ है तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा मैं गारंटी देती हूँ वो घुटनों पे दबाव डालती उठ खड़ी हुई तुम और तुम्हारी गारंटियाँ बड़बड़ाता हुआ वो भी उठ खड़ा हुआ काफ़ी बहस तमहीस के बाद ये तय पाया कि जितनी जल्दी हो सके लड़की ढूंढी जाए जो हर तरह से खानदानी वकार और दादाजी के मैार पर पूरी उतरती हो खानदानी बरादरी की सारी लड़कियाँ छान मारी वलीद की क्लास फेलोस सीनियर जूनियर तमाम लड़कियाँ खंगाल डाली अंशरा की फ्रेंड्स तक पर नज़र दौड़ा डाली मगर इतफाक़ राय ना हो सका इनशरा को पसंद आती तो वलीद को इनकार होता वलीद राजी हो जाता तो इन्शरा का ख्याल होता कि दादाजी रिजेक्ट कर देंगे लिहाजा अभी तक तलाश जारी थी दादाजी को हर रोज पॉजिटिव रिपोर्ट मिलती उनकी भरती हुई जहनी हम आहंगी को देख देख कर घर वालों में भी इतमान की लहरें दौड़ रही थी इनशरा ने बोरियत से उगता कर कुकिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया था इस फैसले का महरक वलीद का मशवरा भी था वलीद का ख्याल था इन्शरा को अपना सोशल सर्कल वसी करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से दोस्तियां करनी चाहिए अगर सवाल इंशरा की अपनी ज़िंदगी का ना होता तो वो कभी वलीद की बात पर कान ना थरती शाम चार बजे से छः बजे तक वो सेंटर पर होती वलीद ने बहुशी उसको लाने ले जाने की जिम्मेदारी कबूल करके घर वालों को वरता हैरत में डाल दिया अब वो उनको कैसे बताता कि वो दर हकीकत वहाँ लड़कियाँ देखने जाना चाहता है यानी वलीद और इंशरा हर कीमत पर अपने मिशन को पॉसिबल करने के लिए तगदों में मसरूफ़ थे मलिद कब से खाड़ी गेट से निकाल कर इंशरा का इंतजार कर रहा था मगर वो निकल ही नहीं रही थी पता नहीं कौन सी तैयारियां कर रही है उसने से सोचा और घाड़ी के हॉर्न पर हाथ रख दिया खुद वो घाड़ी का दरवाजा खोले खड़ा था और हाथ उसका हॉर्न पर गोया चिपक गया था कि अचानक हवा अशकबार होकर उसके नथनों से टकराई परफ्यूम में नहाई वो जैसे ही उसके इंतहाई करीब से गुजरकर आगे बढ़ी उसका हाथ खुद खुद हॉर्न से उठ गया उसने गेट की तरफ देखा जहाँ इन की मौजूदगी का कोई नामोनिशा नहीं था और फिर दोबारा उस जाती हसीना की तरफ देखा जिसके तरासकत ने उसे चमका दिया था जिसके लंबे हसीन और चमकदार बाल कमर से नीचे तक लहरें बनाते जा रहे थे वलीद उन लहरों में डूबने को सा हो गया बेख्तियार ही उसके होंठ सुखड़े और एक सुरीली सी सी होंटों की बाढ़ पार करके उस दो की समातों से टकराई और उस आवाज़ ने उसके कदम जंजीर कर लिए वो एकदम रुक गई वलीद उसका चांद चेहरा देखने को बेकरार था सितारा आंखों पर कमन डालने को बेचैन जैसे ही वो मुड़ी एक जोरदार ताली मारकर वलीद की अचानक पैदा होने वाली ख्वाहिशात को मसल कर रख दिया वलीद हैरान इस बात पर था कि हवा सिरा इतना हसीन भी हो सकता है और परेशान इस बात पर कि इंशरा आ गई तो क्या होगा क्योंकि हसीना के मुंह से फूल झड़ रहे थे हाँ रात चलती हसीनाओं को सीटियाँ मारते हो घर में माँ बहन नहीं है क्या वो हसीना लफ्सों की तकरार और तालियों की फुनकार समेत एन उसके सामने आ पहुँची थी वो हकला गया देखें आप गलत समझ रही हैं मेरा मतलब है समझे नहीं मैंने गलत नीयत से सीटी नहीं बजाई बुरा फंसा था तो क्या तुमने खुद बजवाने के लिए सीटी बजाई है है? उसके मुंह के सामने ताली मारते हुए वो फिर बोली और जिसके तोते पहले ही उड़ चुके थे इंशरा को गेट से निकलते देखकर कबूतर भी उड़ गए देखें आपको गलत फहमी हुई है फिर भी सॉरी वो नहीं चाहता था कि इंशरा को इस बात का इल्म हो इसलिए जल्दी जल्दी बात खत्म करना चाहिए कोई गलत फहमी नहीं हुई बाबू तुमने सीटी मुझे देख ही बजाई थी अच्छा बजाई थी कर लो जो करना है बात तो खुल ही गई थी लिहाजा वाली इतने ज्यादा खुगियाना मुनासिब ना समझा ओए वो तो बिफर गई छछुंदर की शक्ल के नियोले ये सीना सोरी लला के सामने नहीं चलेगी उसके लहजे से लगा वो अपने ग्रोह की डॉन है शुक्र कर आज लला का मूड अच्छा है इसलिए बच गया तो वरना जिन हॉन्टो से तूने सीटी बचाई है ना अपनी उंगलियों में लेकर मरोड़ देती मैं हाँ एक और ताली बजाकर वो वहाँ से चलती मगर ये आखिरी ताली नहीं थी अचानक वो मुड़ी और उंगली उठाकर बोली तब तक इन्शरा वहाँ पहुँच चुकी थी और हैरत से उन दोनों को देख रही थी अब अगर किसी को सीटी मारने लगा तो पहले मुझे याद कर लेना और अपनी आखिरी ताली मार कर वो इठलाती हुई चलती चली गई वली गुस्से से फूक फाँक करता घाड़ी में बैठा और घड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके गुस्से का इजहार किया और इनशरा उससे तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी छछुंदर की शक्ल का न्योला बामश्किल उसने अपने हंसने की वजह बताई उफ उसका तज् तो देखो वो हंसते हंसते कह रही थी वलीद का पारा मजीद हाई हो गया इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं दांत अंदर रखो तुम उससे डपट कर गुस्से का इजहार किया हाँ वाकई वलीद वो एकदम संजीदा हो गई ये हंसने का मुकाम तो नहीं ये तो लम्हा फिक्रिया है तुम उनके मैार पर भी पूरे नहीं उतरे आंखें टिप टिपाते हुए मसनू संजीद की तारीख ये वो वलीद को जहर लग रही थी वक्त कम था और मुकाबला सख्त दादाजी की वापसी में थोड़ा वक्त रह गया और लड़की अभी ना सिर्फ पसंद करना थी बल्कि फंसानी भी थी मुझे तो लगता है तुम्हारी अपनी नीयत खराब हो गई है मुझ उस दिन कुकिंग सेंटर से वापसी पर फलीद बोला क्या होश में तो हो मेरी हो मेरी नीयत खराब गई है तुम खुद में ही कोई गुण नहीं एक लड़की नहीं पटा सके इतने दिनों से वो भी गुस्से में भरी बैठी थी हाँ मैंने तो जैसे डिप्लोमा लिया हुआ है ना लड़कियाँ पटाने में यहाँ पर इतनी लड़कियां आती है कोई मुझे दिखाओ मुझे किसी को दिखाओ तो बात बने आती हो वक्त गुजारी करने और चली जाती हो ढंग का कुछ पकाना भी नहीं सीखा वो मुसलसल बोल रहा था और सही कह रहा था कल इंशरा श्रा ने रसगुल्ले बनाने की कोशिश की थी घर में मगर हंस पे आदत पैकिंग पाउडर डालना भूल गई थी तो इस फूल के नतीजे में जो बना था वो रसगुल्ले हरगिज़ नहीं थे हाँ तो मैं क्या करूँ अगर मेरे सेंटर की लड़कियाँ ही बहुत खुश जोक हैं तुम्हें है मेरे साथ देख कर यूँ आगे घुमाती हैं गोया मेरे साथ कोई एलियन है उसने भी हिसाब बराबर किया मैडम हबतल हवास अगर आप अपनी जहनी सलाहियतें इस्तेमाल करने की आदि होती तो उनकी आंखों की ज़ुबान समझने के काबिल होती वो ये कीटन मेरी वजाहत के अतराफ़ में घूमती होंगी फर्सी कालर झाड़ता वो उसकी बात को मक्खी की तरह उड़ा चुका था जी बिल्कुल बजा फरमाया अपने इसी वजाहत के अतराफ़ में एक दिन एक लड़की ने मुझसे कहा था यार शोफर तो काम का रख लेती क्या दिल के साथ घाड़ी एकदम रुक गई जरूरत नहीं है हकीकत का सामना करो और गाड़ी चलाओ खुद को संभालती वो में बोली। पहले तो ये के मैं तुम्हारा शॉफर नहीं हूँ अपनी मर्जी से गाड़ी रुकी और अपनी मर्जी से ही चलाऊंगा और दूसरा ये तुम्हारे स्टैंडर्ड की लड़कियों ने कभी अपनी शक्लें नहीं देखी कसम ले लो जो एक भी ढंग की लड़की हो सब तुम्हारे जैसी नमूने हैं जिन्हें है कहीं दाखला नहीं मिलता वो तुम्हारे सेंटर आ जाती हैं बिना रुके वो अच्छा हादसा बोल चुका था वलीद अपनी इज्जत का नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लिया करो घड़ी पे बैठते ही आज भी वो शुरू हो गई और वलीद जो पिछले पंद्रह मिनट से तपते सूरज के साय में खड़ा उस महारानी का इंतजार कर रहा था उसी का इल्जाम सुनकर हक्का पक्का रह गया क्या मतलब सूखे होन्टों पर जुबान फेरते वो इतना ही बोल सका क्या मतलब ये जो तुम कम वक्त में ज्यादा लड़कियां देखने के चक्कर में दीदे फाड़ लेते हो ना तुम इंतहाई मुजहिका हेज लगते हो बकवास बंद करो अच्छा एक तो भरी दोपहर में दो घंटों से खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और दूसरे तुम जैसी बिद्दी को इतनी लड़कियों के झुरमट में तलाश करने की कोफ से गुजरता रहा हूँ ऊपर से तुम बातें करती हो इंतजार के दौरान और इंशरा के कद से मुलिक मुबालगा से काम लेता वो बोला अच्छा ये तुम गोगल्स तो लगा लिए करो इंशरा को थोड़ा तरस भी आया इसलिए वो कदरे नरम लहजे में बोली क्योंकि आज उसका प्रैक्टिकल था लिहाजा रश बहुत था अच्छा सॉरी वो फिर बोली इंशरा मुझे कभी कभी तुम पर बड़ा अफसोस होता है तुम किसी के हलूस को भी नहीं समझती वो धीमे लहजे में बोलता उससे हैरान कर रहा था आज से पहले उसने कभी इतने मध्यम लहजे में उससे मिलामत नहीं किया इंशरा को शिद्दत से एहसास हुआ ओके अगेन सॉरी अब के हलूस को समझूंगी चलो क्या याद करोगे आइसक्रीम खिलाती हैं अपनी पॉकेट मनी से की कब्र पर लात मारते अंदाज में वो बोली मगर वलीद अभी भी खामोश था जल्द सोच लो क्योंकि ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है इंशरा को वाकई अपनी ज्यादा का एहसास हो रहा था वलीद ने खामोशी से घाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर रोक दी इंशरा हैरानी से उसे देख रही थी क्योंकि पहली दफा वलीद इतनी खामोशी का मुजाहरा कर रहा था लगता है इसके दिमाग को गर्मी चढ़ गई है वो यही सोच रही थी कि वलीद बोल उठा अब निकलो फी या इरादा बदल गया है खुशगवार लहजा बता रहा था कि उसकी माजरत कबूल कर ली गई वो भी मुस्कुराते हुए बाहर निकला आइसक्रीम खाने के दौरान ही वलीद ने उसे बताया कि ताइमा का बीपी शूट कर गया था इसीलिए वो परेशान था और यूनिवर्सिटी से भी जल्दी आ गया था इनशरा सुनते ही बेचैन हो उठी फिर उससे आइसक्रीम खाई ही नहीं जा सकी वह जल्द अज जल्द घर पहुंच जाना चाहती थी उनके तालुक की तारीख में यह पहला था कि एक ने दूसरे को खुश करने की खातिर अपनी जेब की कुर्बानी दी थी जो दोनों के लिए हैरान कुन थी मगर इस हैरत को दोनों ही छुपा गए थे हल्के हल्के बादलों ने सूरज बादशाह की सफाक पर चिलमिन डालकर मौसम काफी खुशगवार कर दिया था ठंडी ठंडी हवा जिसम से टकराई और अपनी खुशगवारीत का एहसास दिला गई लगता था बारिश होगी वलीद घड़ी से टेक लगाए मौसम के हुसन को महसूस करने पर मजबूर था इंशरा की मिन्नतों से बिल अमूम धमकियों से बिल हसूस डर वो यहाँ आ तो गया था मगर एक घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद वलीद का दिल चाह रहा था कि बैंक की पुरशिकवा अमारत जो एन उसके सामने है और जिसके अंदर इंशरा अपनी दोस्त के साथ तबिस्तान खोले बैठी है पाओं के नीचे किसी अत सिगरेट की तरह मसल मगर मौसम की खुशगवार दौर रुमान परवर हवा खाम हाउस के हवासों पर सवार होकर उसे बास रखने की कामयाब कोशिश कर रहे थे बैंक का दरवाज़ा खुलने और वहाँ से इंशरा का बूथा नजर आने पर शुक्र अदा किया और घाड़ी में बैठने लगा मगर बैठ नहीं सका क्योंकि इंशरा के एन अक़ब से नमोदार होने वाले सभी चेहरे में नजर ऐसी निकलने वाली तीसरी हस्ती की तरफ पलट ही ना अपने खुले ट्राउजर के साथ वो काफी तराजकत लग रही थी सिया ग्लासेस उसकी आंखों पर क्या आए चेहरे की रंगत दमकने लगी वलीद एक पल के लिए भी नजर ना हटा सका वो लड़की इंशरा और दूसरी लड़की से गले मिली और पार्किंग एरिया में जरा हट खड़ी घाड़ी की तरफ बढ़ी वलीद की निगाह उसके साथ साथ महवे सफर थी उसके बावरदी ड्राइवर ने घाड़ी का दरवाजा खोला और वो तम से बैठते ही घाड़ी के शीशों के पीछे गायब हो गई और वलीद को लगा कि मंजर जो उसे देखते ही साकित हो गया था एकदम हरकत में आ गया है जब आलम होश में आया तो एहसास हुआ कि इनशरा उससे तीखे चतूनों से घूर रही है साफ जाहिर था कि वो उसकी महवियत को नोट कर चुकी थी लड़की मिल गई इंशरा यही तो है वो जिसकी तलाश में हम दोनों भटक रहे थे वो यूं और रहा था गोया अकलीम की और उसका नाम वफा है, है ना वलीद तो समझो चारों शान जीत हो चुका था जी वेरी स्वीट मगर जरा ठंडा करके खाना डियर कजन काफी अमीर कबीर फैमिली से है इंशरा ने उसे डराया हम कम हैं किसी से तुम बात करो मुझे यकीन है बात बन जाएगी उसका यकीन से पुरे चाहे इन्शर को चौंका गया इंशरा ने अपने दोस्त से वफा के बारे में मालूम लेने के लिए बात की तो उसने बताया कि चूँकि वो वहाँ इंटर्नी है और उसे महज दो माह ही हुए हैं लिहाजा वफा के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती मांसवा इसके कि वो बहुत अमीर है और ये तो उससे देखते ही अंदाज़ा हो जाता है लेकिन इस मकसद के लिए जो मालूम दरकार थी उसके लिए इन्शर की वफा से बिलमुफाशा मुलाकात जरूरी थी लिहाजा जब दूसरी बार इंशरा उस बैंक में आई तो उससे मिन्नतों और धमकीयों का सहारा नहीं लेना पड़ा बल्कि शोफर उससे सर आंखों पर बिठा कर लाया था मतलब ये दिल ही दिल में इंशरा ने उससे कोसा और बैंक में दाखिल हो गई वलीद सारी जिंदगी भी बाहर खड़ा इंतजार कर सकता था किसी अच्छे जवाब की उम्मीद पे आज घुटन और हब्स ज्यादा मौसम भी उसे रोमांटिक लग रहा था सूरज की तपिश पे भी उसे ठंडी हवा के झोंके महसूस हो रहे थे गर्द और धुआं आलूद आसमान पर जा पा धनक बिखरी नजर आ रही थी वाकई दिल का मौसम कितना मैटर करता है आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायरी कितना सच बोलती है ना इन शरा बाहर निकली तो वो बेचैनी से उसकी तरफ लपका वो मतब्बराना मुस्कुराहट के साथ उसकी बेचैनी को नजरअंदाज करती घाड़ी के करीब आ गई क्या कहती है वो वो बेस सबरा हो रहा था मगर दूसरी तरफ सुकून ही सुकून वलीद गर्मी कितनी है ना आज बेनियाजी से कहती घाड़ी में बैठी मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो वो उसकी हालत से लुत्फानदोज़ हो रही थी तुम मुझे जानते नहीं किया ऐसे थोड़ी बता दूँगी पहले खाना तो खिलाओ किसी फाइव स्टार होटल में उसके सब्र का इम्तहान लेते हुए बोली जानता हूँ बहुत अच्छी तरह तुम्हें कि तुम कितनी कमीनी और कितनी काया हो मौके से फायदा उठाना तुमसे बेहतर किसी को आता ही नहीं मगर क्या है ना एक्साइटमेंट में भूल गया था तुम्हारी मदरजा वाला कहता वो हसपेटल होब ट खाना खाने के बाद इनशरा ने बताया कि अंगेज नहीं है दो बहनें हैं उस समय दूसरी शादीशुदा है और चारजा में होती है ये फिलहाल अकलौती है घर में बाप बिजनेस मैन है माँ प्रोफेसर रह चुकी है ये शोकिया जॉब करती है तमाम तफसी बताने के बाद अब वो पानी पी रही थी ओके okay, तफसी तसली बख्श थी पर सुकून ओके वलीद के लबों से अदा हुआ और क्या कहा उसने फिर इंशरा से पूछा और उसने कहा कि वो बहुत चूजी है आम से आम चीज़ से लेकर हाथल हास चीज़ तक टिश्यू पेपर से हाथ साफ करते हुए वो इतमान से बोली तुमने क्या कहा फिर वलीद वेटर को बिल लाने का इशारा करते हुए बोला मैंने क्या कह था मैंने भी कहा फिक्र ना करो हमारा लड़का भी बहुत बड़ा चूज़ा है उसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में झांकती शरारत को भाप कर वलीद अपना कह कहा रोक न सका वफा का ख्याल था कि जब तक उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती रिश्तों विश्तों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए वो एक रोशन हयाल खानदान से ताल्लुक रखती थी और उसके ख्याल का रोशन पहलू यही था कि लड़की लड़का अच्छी तरह एक दूसरे की छानबीन के बाद मियाँ बीवी के रिश्ते में बंधे इसीलिए उसने इंशरा के हाथ अपना फोन नंबर भेजा था ताकि वलीद उसके साथ रबते में रहे और दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो सके और वलीद हैरान था कि फंसाने की तो नौबत ही नहीं आई लड़की तो पहले ही फंसी बड़ी है लिहाजा उसकी हवाओं के दोष पर बहुत सी बातचीत होने लगी और इंशरा सब जानती थी वो इंशरा का बहुत शुक्रगुजार था कि ये सब कुछ इंशरा की मदद मतलब से ही तय पाया था और इसी शुक्रगुजारी गुज़ारी के जज्बात के तहत उनके तल्क़ा इंतहाई खुशगवार हो गए थे ज़ैनब और जीनत खुश भी थी और हैरान भी कि मशरक मगरब एक कैसे हो गए मगर वजह जो भी हो नतज फ़िलहाल से इतमान थे मगर वो मासूम औरतें मासूम आवाम की तरह उनके मफादात से लाइल थी और लाआलमी भी कभी कभार नमत होती है इन्शरा मुझे लगता है मुझे उससे मोहब्बत हो गई है वलीद की अचानक कही गई बात सुनते ही इंशरा की नज़र पार्क में खेलते बच्चों से पलट कर उसके चेहरे पर टिक गई जब तक उसकी आवाज़ न सुनूँ चैन नहीं पड़ता यार उसकी हैरत को नज़रअंदाज किए वो मोती के नन्हे फूल को उंगलियों में दबाए पता रहा था हाँ इंशा मैं उससे मिलना चाहता हूँ अपना हाल दिल बताना चाहता हूँ उससे वो बेबसी से फूल को तक रहा था और इंशरा उससे एक्सक्यूज़ मी तुम्हें मोहब्बत उससे हुई है मुझसे नहीं इसलिए मुझे इंशरा कहकर पुकारो इंशा नहीं क्योंकि इंशा मेरा प्यार का नाम है जो मेरे प्यारे दादाजी ने बहुत प्यार से रखा है आज पहली बार वलीद ने उससे नाम से पुकारा था इस तुम बहुत खुश हो इंशरा बीबी दादाजी ने तुम्हारी मोहब्बत पे मजबूर होकर तुम्हारा नाम ये नहीं रखा बल्कि तुम्हारे नाम की तोवालत से घबरा कर ये नाम रखा है क्योंकि जितनी देर में वो तुम्हारा असल नाम बोलते हैं उतनी देर में आधी बात भूल जाते हैं दादाजी की यादाश्त का तो तुम्हें पता है ना आज काफ़ी दिनों बाद उसने शरारती अंदाज में जवाब दिया था तुम तो जलते हो मेरी और दादाजी की मोहब्बत से वो भी अदा से कहती उठ खड़ी हुई और वलीद फिर उससे अपनी बेताबियाँ बताने की नाकाम कोशिश करता उसके साथ साथ चलने लगा मसला हल हो चुका था मगर इंशरा के दिल की बेचैनी खुद इंशरा के लिए भी हैरान थी और अब वफा वलीद से मिलना चाह रही थी वलीद की खुशी का कोई ठिकाना न था मुस्कुराहट उसके लबों से गोया चिपक कर रह गई थी और इन शरा उसकी मुस्कुराहट देख देख कर बिला इरादा ही वफ़ा का खुद से मुआवन करने लगती आखिर क्या था उस लड़की में जो वलीद उसे देख कर ही दीवाना हो गया था सिर्फ गोरी चमड़ी ही थी ना लेकिन वो क्यों चल रही थी नहीं वो जल नहीं रही थी शायद मगर एक ख्वाहिश बहुत शिद्दत से उसके दिल में उभरी कि काश कोई उससे भी यूं चाहे यूं सोचे और यूं ही मिलने को बेताब रहे इंशरा कल चार बजे तक तैयार रहना ओके okay? वलीद की पुरजोश आवाज़ ने उससे सोचो के भंवर से निकाला क्यों भाई मैं क्यों तैयार हूँ तुम भी चाह रही हो ना मेरे साथ कल मैं वफ़ा को प्रपोज करने वाला हूँ वो उसका मुतालबा सुनकर हैरान हुई प्रपोज तुमने करना है और वो भी वफ़ा को मुझे हड्डी क्यों बनाना चाह रहे हो तुम्हें तो पता है मैं कितना शर्मिला और कम गो हूँ और मुझे प्रपोज करने का कोई तजर्बा भी नहीं मासूमियत की इतहा पर पहुँच कर कहता वलीद उसके कमरे में रखे साइड सोफे पर बैठ गया हाँ जी आप जितने शर्मीले और कम गो हैं मुझसे बेहतर कौन जान सकता है शर्मीले और कम गो पर जोर देते हुए इंशरा बोली और लड़कियाँ प्रपोज करने में तो मेरे जैसा तजर्बाकार कोई है ही नहीं है ना तंस के तिट चला कर मैगजीन उठाकर उसमें गुम हो चुकी थी तजर्बा नहीं मुशाहिदा तो है ना तुम्हारे देखे गए ड्रामे कब काम आएंगे बस तुम जा रही हो मेरे साथ आखिर को बात संभालने के लिए दूसरा बंदा बहुत ज़रूरी है उससे इतला तब वो निकल गया अब इंशरा को जाना ही था अगर वो इनकार करती तो वो फिर भी उससे ले जाता मुक्र वक्त से पंद्रह मिनट कबल ही वो नुख सुख से तैयार इंशरा के रूबरू था ब्लैक टू पीस में लहके महके वलीद को देखकर इंशरा की निगाह पलटना ही भूल गई आज से पहले उसने वलीद को इतना सजा संवरा नहीं देखा था या यूं कहिए कि आज से पहले उसने अगर देखा भी था तो गौर नहीं किया था मगर आज तो उसकी वजाहत छलकी पड़ रही थी इंशरा के दिल ने एकदम बेमानी की माशा भी कह दो अब या नज़र लगा दोगी घूर घूर कर वो शायद उसकी निगाह से टपकती तो सीफ देख चुका था तभी उसे चुका गया वो अचानक सँभली थी हो तुम्हें नज़र नहीं लगती वो क्या है कि मेरी नज़र का स्टैंडर्ड भी इतना अभी नहीं गिरा कि तुम्हें जाके लगे वो भी दो ब बोली मैं तो तुम्हारी तैयारियां देखकर हैरान हूँ उसने अपने यकटुक देखते रहने की वजह बयान की क्यों क्या हुआ उसने फ़ौर इन्शरा के कमरे में लगे आईने के सामने अपने सरापे का तनकीदी जायज़ा लिया लग रहा है मोहतरम अपने वलीमे की तकरीब अटेंड करने जा रहे हैं वो यकदम मुस्कुरा उठा वलीमा नहीं पर वलीमे की तम हीद बांधने तो जा रहा हूँ ना और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई बात करते करते इन्शरा के सरापे पर नज़र गई तो पूछ बैठा वलीद मेरा ख्याल है मुझे नहीं जाना चाहिए सैकड़ों मर्तबा कही हुई बात उसने फिर दोहराई तुम अपने ख्याल अपने पास रखो पाँच मिनट में नीचे पहुंचो इंतज़ार कर रहा हूं ओके उसकी सुने बगैर वो कमरे से निकल चुका था इंशरा बेदेरी से कपड़े चेंज करने लगी इंशरा आ भी चुको आप ठीक पाँच मिनट बाद वो नीचे से आवाज़ें देना शुरू कर चुका था मगर इस बेताबी ने मामा को चमका दिया था वो कब से उसकी तैयारियां नोट कर रही थी और अब बेकरारियां ज़े गौर थी इंशरा ने भी नया नकोर सूट जेब तन किया था ना महसूस किए जाने वाला मेकअप भी कर रखा था अलबत्त आंखों का काजल बहुत नमाया था वो सीढ़ियाँ उतर कर आई तो जीनत ने कुल अक्खियों से दोनों को सचा संवरा साथ साथ खड़े देखा तो ज़ेलब माशा कहकर नज़र हटा ली कहाँ जा रहे हो तुम दोनों और वो दोनों जो अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद निकलने वाले थे एक दूसरे की तरफ़ देख कर रह के क्योंकि सारी प्लानिंग के दौरान ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि अपने इस खुफिया मिशन के दौरान होने वाले के के क्या जवाब देने हैं इंशरा बुखरने पर वलीद ने उससे कोहनी मारी मामा मेरे दोस्त की शादी है आपको बताया नहीं था से कहता वलीद जीनत को हैरान कर क्या नहीं मुझे तो नहीं बताया कौन से दोस्त की शादी है आपको नहीं पता उस दोस्त का वापसी पर बताऊंगा अभी हम लेट हो रहे हैं चलो इंशरा वो जल्दी जल्दी का शोर मचाता निकलना चाहता था जीनत की आवाज़ ने फिर उसे रोक लिया तुम्हारे दोस्त की शादी है फिर इंशरा क्यों जा रही है क्योंकि उनकी फ़ैमिली में दोस्तों को घर और बिलहसूस घर की औरतों से उतारफ़ करवाने का कोई रवाज़ नहीं था खास दोस्तों के एक्चुअली मेरे दोस्त की शादी इंशरा की सहेली से तय पाई है इसलिए हम दोनों शिरकत करके उनके लिए बाइस से मुसरत बनने जा रहे हैं चलो इंशरा व उसका हाथ पकड़ता निकलता चला गया और जीनत पीछे खड़ी हैरानो परेशान उसके झुमलों में उलझी उसके दोस्तों की ज़ुबानी फहरस्त तैयार करने लगी देखो मैं अच्छा लग रहा हूँ ना इंशरा ने भरपूर घोरी डाली वो पूछते पूछते घबराते हुए बोला मेरा मतलब है ओवर तो नहीं लग रहा। ये बात तुम तेरा दफा पूछ चुकी हो, हो अच्छे भले तो लग रहे हो पता नहीं क्या सुनना चाहते वो चीख ही तो उठी जब से वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उससे ये ही फिक्र लगी हुई थी मुझे डर लग रहा है कहीं वो कोई इतराज ना करते वो हसास हो रहा था इंशरा चिड़ गई करना तो चाहिए उससे वो विंड स्क्रीन से भर झांकते हुए बोली क्या वलीद ने हवनक पंत से पूछा इतराज और क्या क्या मतलब है तुम्हारा उसको गहरा रंज हुआ भाई देखो ना जो बंदा महज प्रपोज करने के लिए अपनी कजन की मदद हासिल करता है घूंघट उठाने के लिए तो उससे आठ दस बंदों का ताउन दरकार होगा सो इतराज़ तो बनता है उसकी तफसील सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा घूंघट उठाने का सफ़र ही बड़ा खुशकुन था नहीं पागल तुम्हें साथ ले जाने का मकसद उससे यह बावर कराना है कि मैं छोरा आदमी नहीं हूँ जो मैं एंजॉयमेंट इंजॉयमेंट के लिए उसके साथ वक्त गुजारना चाहता है बल्कि मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए अजहद संजीदा हूँ और तुम्हारी मौजूदगी से, से यकीन होगा कि सिर्फ मैं ही नहीं मेरी फैमिली के और लोग भी इस फैसले में मेरे साथ हैं समझी वैसे तो हर रोज़ हज़ारों लड़कियां लड़के एक दूसरे से यूं अकेले में मिलती हैं शादी के वादे करती हैं और अगले दिन एक दूसरे का नाम भी भूल जाते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ वो इन्तहा संजीदगी से उसे साथ लेने की वजह बता रहा था अच्छा अगर उस पर तुम्हारी शराफत की ढाक बिठाना इतना ही ज़रूरी था तो मुझे पहले बताते मैं घर के दूसरे अफराद के साथ साथ मोहल्ले के चीता चीदा लोगों को भी साथ ले लेती ताकि उससे ठीक ठाक पता चल जाता कि हमारा लड़का कितना संजीदा है और वो उसके तंस पर दिल खोल कर हंसा उससे फ़ोन करो कहाँ है वो तकरीबन दस मिनट उन्हें इंतज़ार करते हुए हो गए थे मगर वो अभी नहीं आई थी वलीद ने इन्शर के कहने पर उससे फ़ोन किया पता चला कि वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है और जब वफा दरवाज़ा थकेल कर दाखिल हुई तो उन दोनों की नज़रें उस पर उठी और पहली नज़र के बाद दोनों का रद्दमल मुख्तलि था वलीद तो इस्तबाल के लिए खड़ा होगी और इंशरा का दिल चाह वो जमीन खोदे और उसमें समाजे उससे वफा का हुलिया नसमानियत की तो हीन लगा ब्लैक स्किन टाइट स्लीवलेस शर्ट गहरा गिरे पान और जीन्स उससे वलीद पर तरसाया क्योंकि अगर वो इस हुल वाली लड़की से शादी करने के लिए खुदकुशी की धमकी देगा तो दादाजी बसर वश् कबूल कर लेंगे वलीद बेटे तुम तो गए वलीद की तरफ देखते हुए उसने दिल ही दिल में उस पर रहम खाते हुए कहा वफा भी मुस्कुराती नजरों और शताब चेहरे से वलीद की इस तक मुस्कुराहट का जवाब देती टेबल की तरफ बढ़ती आ रही थी लेकिन जो ही उसकी नजरों का जाविया तब्दील होकर इंशरा पर टिका उसके चेहरे के तासरात भी बदल के नागवारी सदमा और हैरत उसके चेहरे से एक साथ ही जाहिर हो रहे थे जो वलीद तो शायद जोशी मुलाकात में ना देख पाया मगर इंशरा की जेरक निगाही से ना छुप सके हाय इंशरा ना ही वलीद को शर्मिंदा करना चाहती थी और ना खुद होना चाहती थी लिहाजा खुद ही इब्तदा करते हुए उसने वफा की तरफ हाथ बढ़ाया और कुर्सी छोड़ दी पता नहीं किस दिल से वफ़ा ने उसका हाथ थाम लिया आप लोग बैठे बातें करें मैं वहां सामने बैठी हूँ ओके उसने इंतहाई अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए फौरी फैसला किया और वलीद की सुनो सुनो सुने बगैर कॉर्नर टेबल की तरफ हट गई वहां से उन्हें बरह रास्त देख सकती थी वफा के गोरे गोरे बाजुओं की लश्कारी सिर्फ उसकी नहीं वहां मौजूद तमाम लोगों की तोज्जा खींच रहे थे इन की हैरान नज़र सफर करती उसकी टांगों पर गई जहां और भी कयामत बरपा थी टाइट जीन्स को नीचे से मोड़कर पिंडलियों की भी नुमाइश की गई थी इंशरा को लगा गोया अभी चावल की पनीरी लगाकर सीधी इधर ही आ गई है अचानक उसकी नज़र दाएं तरफ एक टेबल छोड़कर अगले टेबल पर पड़ी जहां एक नौजवान बड़ी फुर्सत से उसे ही देख रहा था उसके अंदाज से लग रहा था कि वो काफ़ी देर से उसकी मेहवियत नोट कर रहा था इंशरा को घेर लिया उसने अपने आप को मसरूफ और उस जोड़े से ला जाहिर करने के लिए वेटर को बुलाया और जूस ऑर्डर कर दिया जूस आ गया और वो घूंट घूंट अपने अंदर उतारने लगी उस नौजवान को वो मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही थी उसकी सोच का पंछी फिर भटकता हुआ उसी टेबल पर जा पहुंचा जहां वो फितना उसके घर के चश्मो शराब के साथ बैठा अपनी बिखेर रहा था वलीद बातों में इस वली मसरूफ फरामोश कर चुका था इंशरा को बहुत गुस्सा आया जरा बाहर निकल के इस रेस्टोरेंट से इसकी तो खबर लूंगी अच्छी तरह अगर ये इसी तरह हमारे घर में घूमे फिरेगी तो क्या रदल होगा ताई अम्मा का जो टीवी पर स्लीवलेस कपड़ों में मलबूस लड़कियां देखकर कल में पीटने और तोबा तोबा करने लगती हैं अगर ये परफॉर्मेंस लाइफ मुलायसा करें ये तो शायद पर्दा करने लगे उसने चश्मे तो सफर में सारा मंजर देखा और अधूरे कपड़े पहने वफा के पहलू से बापरदा ताई माँ को गुजरते देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी मुस्कुराहट को कोई और भी इंजॉय कर रहा है इसी सोच के ताकुब में उसने दाएं तरफ वाली टेबल पर देखा जहां बैठा नौजवान उससे जवाबी मुस्कुराहट भेज रहा था इनशरा ने फ़ौर अपने तसरत पर काबू पा लिया मगर कोई फ़ायदा ना हुआ क्योंकि वह नौजवान मुस्कुराहट के साथ साथ खुद भी उसकी टेबल की तरफ आ रहा था इंशर ने एक नज़र वलीद की तरफ देखा जो पूरे का पूरा दाम वफा में कैद था अपनी तेवरी का असर ज़ायल होते देखकर उसने तेवरी हटा ली और अहतमाद से आने वाले लम्हा का सामना करने को तैयार हो गई हाय आपकी तनहाई देखी नहीं गई मुझसे सोचा आपको कंपनी दे दो वो इंतहाई बेतकल्फी से उसके एन सामने बैठा उससे अपनी कंपनी ऑफ़र कर रहा था जी बहुत शुक्रिया उसने थूक निकलते हुए बड़े स्वभाव से ऑफ़र कबूलने से माजरत कर ली उसकी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी सिचुएशन का सामना था रेस्टोरेंट तन्हाई और एक अदद अजनबी वो नहीं आया उसने करीब होकर रास्दारी से इंशरा से पूछा जी कौन इंशरा शरा से उससे और उसकी आंखों में उतरने वाले तसरात को देखते हुए पूछने लगी मुझे सब पता है मुझसे मत छुपाएं अरसा हो गया है अफवाहान शबाब में दाखिल हुए पता नहीं क्या ओल फुल बोल रहा है इन शरा उसी की जहनी हालत पर शुभा हुआ क्या मतलब किसकी बात कर रहे हैं मैं वाकई नहीं समझी उसी की मैडम जिसने आने का वादा किया और ना आया जिसके इंतज़ार ने आपको तन्हाई के अजाबों से दो चार कर रखा है उसी की जनाब आलिया जिसकी बेवफाई ने आपको हंसते बंसते और खुश खुशपाश जोड़ों को हसरत भरी नजरों से देखने पर मजबूर कर दिया है उसने मोहम्मद अली के स्टाइल में डायलॉग बोलते फ़फ़ा और वलीद की तरफ देखा इंशरा को उसकी गलत फहमी पर हंसी आ गई अरे नहीं तो आप गलत समझे वो कहना चाहती थी मगर उसने बात काट दी मैं तो कहता हूँ फूल जाए उससे मुझे देखे मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दस मिनट इंतज़ार करता हूँ नहीं आती तो फूल जाता हूँ हमेशा वह हैरत से उसे देखने लगी अब भी मैं जाने वाला था मगर नहीं किया क्योंकि मुझे आप नजर आ गई आए एक दूसरे का दर्द बांट ले उसने बोलते बोलते हाथ इंशरा की तरफ बढ़ाया इंशरा की चढ़ गई थी उसके चेहरे पर उंडेल दिया। हुआ कुछ दर्द कम या और चाहिए उस नौजवान के तो वह गुमान में भी ऐसा रद नहीं था वो भी उठा ये क्या बदतमीजी है तुम्हें जुरत कैसे हुई बा आवाज बुलंद वो भी खड़ा होकर उस पर रोप डालने लगा इर्द गिर्द मौजूद लोग मतवजा हो चुके थे क्यों ज़रूरत क्या सिर्फ तुम्हारे पास से लफंगे कहेंगे हर चीज़ को अपनी मलकियत समझ कर शुरू हो जाते हैं तुम जैसे टट पूंजिए जानते नहीं हो मुझे तुम अभी टांगे तोड़ कर तुम्हारी गिरबान में लटका दूंगी वलीद भी हंगामा सुनकर उसी तरफ आ रहा था यू ब्लडी वूमैन तुम मुझे जानती नहीं हो वो लपक लपक कर इंशरा की तरफ आ रहा था कि वलीद पहुंच गया उससे सिचुएशन समझने में देर ना लगी हाँ क्या हो तुम बताओ मुझे क्या हो तुम वलीद ने आते ही उसे गिरबान से पकड़ लिया और झाड़ छाड़ कर पूछने लगा तुम कौन होते हो तो मुझसे पूछने वाले उस लड़के ने छटके से अपना गिरबान छुड़ाया और बोला तुम अपनी महबूबा से निपटो और मुझे मेरी से निपटने दो तो। अभी वो बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि वलीद ने एक जोरदार घुनसा उसके मुंह पे मारा और फिर लगातार मारने लगा लोगों ने खेच खाँच कर वलीद को उठाया जैसे ही वो वलीद के चुंगल से आजाद हुआ भाग निकलने की करने लगा निकलते निकलते भी देख लूंगा तुम्हें कहना ना भूला वलीद ने लोगों को नज़रअंदाज करके इंशरा का हाथ पकड़ा और रेस्टोरेंट से बाहर निकलाया इस लम्हे वो वफा को बिल्कुल भूल चुका था वलीद का घाड़ी ड्राइव करते देहान बार बार इंशरा की तरफ जा रहा था जो अपने स्टाइल में बकोल वलीद के भाँ भाँव करके रो रही थी अच्छा आप चुप भी कर जो वलीद उगता कर बोला सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है मैं तुम्हें कितना मना कर रही थी पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी बड़ा शौक हो रहा था तुम्हें अपनी राखी सावंत से मिलने का और मुझे मिलवाने का वो उस सानेहे का इल्ज़ाम उसे दे रही थी क्योंकि वही उसे जबरदस्ती लाया था उससे इस इल्ज़ाम पर इतराज़ ना था हाँ वफा को राखी सावंत कहने पर इतराज था वो इतनी खाली तो नहीं थी तुम क्यों गई थी उठकर मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था दूसरे टेबल पर जाने को वो भी मैंने मिलाते हुए बोला वो एकदम उसकी तरफ पलटी ज्यादा मासूम ना बनो तुमने नहीं कहा था पर तुम्हारी होने वाली के चेहरे का रूवा रुवा ये ही कह रहा था बड़ा शौक था ना तुम्हें अपनी शराफत के उससे दिखाने का पहले उस शराफत का मतलब तो बता देते और वो तरफ देखते उसको कम करने की कोशिश में अधूरा झुमला बोला क्या टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू घसीटते हुए उसने पूछा यही कि तुम सिर्फ अपनी गली में शेरनी नहीं होती उसके लबों पर भी मुस्कुराहट तोड़ गई नम नाक और मुस्कुराते लब एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन ने वलीद को चमका दिया हाँ तो तुम्हारे साथ लड़ लड़ के इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई है यानी घरेलू लड़ाइयों के भी बड़े फायदे होते हैं चलो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं गाड़ी रोकते वलीद ने उसका मूड अच्छा करने की एक और कोशिश की कामयाब कोशिश वफा उससे नाराज थी और होना भी चाहिए था जिंदगी में पहली बार वलीद के अंदर का गैरतमंद मर्द जगा था मगर बहुत गलत मौके पर जब उसकी मोहब्बत की नोहेस कली चटक रही थी रेस्टोरेंट में होने वाले वाक्य से पहले उसे कभी गैरत के नाम पर किसी पर हाथ उठाने का इतफाक़ नहीं हुआ था और उस दिन से पहले उसे किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में इस तरह बैठने का इतफ़ाक़ भी नहीं हुआ था दोनों बिल्कुल मुख्तलफ़ इतफ़ाक ने एक ही दिन वक्ू पजीर होकर उस दिन को हाँस बना दिया था उससे वफाको मनाने और समझाने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि वो हक़ बजानी थी एक ऐसा लड़का आप आपका रदल तो आप क्या होगा लिहाजा मुश्किल एक बार फिर वो वफा से मुलाकात का वक्त और जगह मुक्र कर चुका था और अब उसका रुख इन शरा के कमरे की तरफ था तो क्या तुमने उस दिन उसे प्रपोज नहीं किया था वली ने वफा से दोबारा मुलाकात के बारे में इंशरा को बताया तो वो पूछ बैठी अभी कहा अभी तो हाल चाल ही पूछा था कि तुमने काम दिखा दिया तुम पूरे पंद्रह मिनट दांत निकाल निकाल कर हाल चाल ही पूछते रहे थे उससे पापा के साथ बातों में मसरूफ वलीद याद आया अच्छा झगड़ा करके बदशुकनी तो ना करो ये बताओ उसके लिए गिफ्ट क्या लेकर जाऊं इंशरा ने हैरत से अपने सामने बैठे वलीद को देखा बात अभी तय नहीं हुई तुम्हें गिफ्ट देने की पड़ी है वो बिला ही गुस्से हो रही थी नहीं यार वो नाराज़ हो गई थी अब उससे राज़ी किया तो कोई गिफ्ट ही ले जाता खुश हो जाएगी और क्या इंशरा ज़रा नरम पड़ गई हाँ भाई उससे ऐसा गिफ्ट दो जो उसके काम आए ऐसा करो उससे एक चादर दे दो ताकि कम अज़ कम जब वो दादाजी से मिलने आए तो अपने मसल छुपा ले वरना तुम्हें तो पता है ना गुजरा वाली होने की नस्बत से दादाजी को दंगलों से कितना रूहानी लगाओ है ये ना हो उसके पंचिस से इतने मुतासर होंगे गुजरा वाले के किसी दंगल में छोड़ वो तन से कहती उसे मशवरा दे रही थी वलीद बस मुस्कुरा सका वफ़ा का हुलिया उसके लिए भी काबिल इतराज़ था लेकिन उसे यकीन था जब वो उसके साथ खूबसूरत बंधन में बंध जाएगी तो वो उसे समझा लेगा अपने रंग में रंग लेगा मेरा ख्याल है भूल ही ले चलूँगा मोहब्बत की निशानी उसकी बात के रदल में कुछ कहे बगैर वलीद उठ गया इन कुछ नहीं बोली थी दुआ करना गुरु निकलने से पहले हाथ हिलाकर उसे ताकीद करना नहीं भूला था भूल ले जाता हूँ मेरी तरफ से जो मर्जी ले जाओ मोहब्बत की निशानी उसके झुमले की नकल उतारती वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी और इस जलन ने तो सारा वक्त उसे बेचैन किए रखा वो अपने इस जलापे पर जितना कुर्ती कम था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो फलीद सफ़ी जो उससे नीले थोते से भी ज़्यादा जहरीला लगा करता था जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने का तसवर ही उससे हौलनाक लगा करता था और तो और जिसके लिए शरीक ज़िंदगी की तलाश में वो माजी करीब में काफ़ी सरगर्म थी आज जब सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था और वही वलीद सफ़ी उसी की कोशिशों से एक और लड़की को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने जा रहा था तो उसके दिल को क्या तकलीफ़ थी मगर दिल कोई तो चीख बयान किए बगैर जल्दे में मसरूफ़ था जैनब कब से डाइनिंग टेबल पर बैठी इन्शरा को नोट कर रही थी जो इस तरह की कैफियत में टेबल की शफाफ सतह पर उंगलियाँ फेरती काफ़ी परेशान लग रही थी जैनब को लगा शायद वलीद से कोई नाराजगी हो गई है क्योंकि आज वो अकेला गया था वरना अक्सर इन्शरा उसके साथ जाती थी क्या बात है इन्शरा उनसे मजीद देखा ना गया सो पूछ लिया मामा दादाजी कब वापस आ रहे हैं और यह हकीकत थी आज दादाजी बहुत याद आ रहे थे मामा ने गौर से देखा कि वाकई वो दादा जान के इंतज़ार में उदास है या कोई और मसला है मगर कुछ आहस न कर पाई इस माह की उन्नीस कौन की वापसी है जैनब के बताने पर वो दिनों का जोड़ तोड़ करने लगी काश वो जल्दी वापस आ जाए इन शरा को ख़ुद अपनी ख्वाहिश पर हैरत हुई और पता है इस बार तुम्हारी पुप्पो भी पाकिस्तान आ रही है अपाजी के आने के ठीक एक हफ़्ते बाद जैनब उसकी उदासी से उलझ थी उसको नई खबर दे रही थी अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है पुप्पो काफ़ी अरसे के बाद आ रही है ना उसका मूड थोड़ा तब्दील हुआ था हाँ पाँच साल के बाद आ रही है तब ही तो अपा जी का ख्याल है कि उसके आते ही मंगनी का फंक्शन कर लेंगे वो यकदम चौंक गई क्या मतलब किस की मंगनी वो जानबूझकर पूछने लगी तुम्हारी और वलीद की और कौन है हमारे घर में मंगनी के काबिल जैनब कदरे झुंझलाए हुए बोली मामा अभी तक आप इस बात को लेकर बैठी हुई हैं हालांकि मैंने आपको बहुत साफ लफ्जों में बता दिया था वो फिर से नाराज़ नज़र आने लगी तो क्या तुम्हारा अभी भी वही फैसला है वो हैरानी से गोया हुई जी हाँ आप क्या समझती थी मैं आपके साथ मजाक कर रही हूँ हम तो समझ रहे थे कि तुम और वलीद हकीकत तस्लीम कर चुकी हो तुम दोनों में भड़ती हुई अंडरस्टैंडिंग से तो ऐसा ही लगता था जैनब काम छोड़ छाड़ कर पूरी की पूरी उसकी तरफ मतवजा थी हाँ मैं मानती हूँ कि इस अरसे में हमारी अंडरस्टैंडिंग भड़ी लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो उसके साथ शादी भी हो और जहाँ तक तो वलीद की बात है तो वो अपने लिए लड़की पसंद कर चुका है और वो उसी से ही शादी करने वाला है गुस्से में वो बात बता चुकी थी जो नहीं बतानी चाहिए थी मगर उसके अंदर की जलन ने बात को ज़्यादा देर पेट में टिकने ना दिया क्या बकवास कर रही हो तुम तो? ज़रा बराबर भी यकीन ना आया हाँ आपको तो कभी यकीन नहीं आएगा मेरा जब वो सब कुछ दादाजी के सामने कहेगा तब तो आप मानेगी ना गुस्से में कहती वो कुर्सी घसीट कर उठ खड़ी हुई और भाग कर ने। लेकिन ने अपना सर पकड़ लिया ये गई थी क्या वफा के हैरत से खुले मुंह को वलीद ने उससे भी ज्यादा हैरत से मुलाहि किया गोया उसने प्रपोज ना किया हो बल्कि अमेरिका फतह करने का इरादा जाहिर कर दिया हो हैरानी किस बात की शादी नहीं करनी क्या वलीद ने उसके तासरात में इससे हैरत को कम करने के लिए खुशगवार लहजे में कहा तो क्या तुमने इतनी जल्दी मुझसे शादी करने का फैसला कर भी लिया ये क्या बात है मैंने तो पहली नज़र में तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया था वलीद ने सीना ठोंक कर इतरास किया यानी तुम मेरी खूबसूरती से मुतासर होकर मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो वो पहले से भी ज़्यादा हैरान थी वलीद के चेहरे पर हवनकपन झलकने लगा लेकिन मिस्टर वलीद हम एक दूसरे को देख देख कर तो लाइफ नहीं गुजार सकते ना कई मामलात में वास्ता पड़ता है जिनसे निमटना होता है इंसान को वो किसी दानश्वर की तरह बोले जा रही थी तो तुम मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर रही हो वलीद ने रिजेक्शन के दर्द को दिल से महसूस करने से पहले तस्दीक कर लेना ज़रूरी समझा नहीं वलीद रिजेक्ट नहीं कर रही बस ये कहना चाह रही हूँ कि ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला यूँ अचानक नहीं कर लेना चाहिए अभी ये हमारी दूसरी मुलाकात है और इन दो मुलाकातों में से एक में रून होने वाले वाकयात इतने भी काबिल जिक्र नहीं कि मैं उनकी बिना पर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊँ वलीत ने मायूसी के आलम में सर झुका लिया देखो हम कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारें एक दूसरे को समझें तो तब ही हम एक दूसरे को तमाम आदात खूबी और हामियों समेत कबूल कर सकते हैं अच्छा फ़र्ज़ करो अगर हम भागम भाग में शादी कर लेते हैं तो क्या हम जिंदगी का एक हिस्सा एक दूसरे को बदलने में गुजार देंगे क्योंकि ना मुकम्मल तौर पर मैं तुम्हें पसंद आ सकती हूँ और ना तुम मुझे वो बहुत साफ साफ लफ्ज़ों में सही बात कर रही थी लेकिन हम एक दूसरे की हाथिर एक दूसरे की मोहब्बत में खुद को बदल भी तो सकते हैं ना उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की किरण चमकी चलो अगर इस तवा पर हम एक हो जाते हैं तो क्या फिर ये झगड़ा ना होगा कि कौन किसकी मोहब्बत में खुद को बदले क्या तुम मेरी हाथिर खुद को बदल सकती हो वो बिना सोचे समझे जोश जज्बात में हाँ कर नहीं वाला था कि उसके मोबाइल की बीप बच उठे घर के नंबर से आता फ़ोन देकर उसने रिसीव कर लिया जी चाची माँ बस आधे घंटे तक आता हूँ परेशान ना हो ओके फ़ोन बंद करते ही उसने वफ़ा को देखा जो बहुत गौर से उसे देख रही थी कभी इतनी देर बाहर नहीं रहा ना इसलिए चाची माँ परेशान हो रही थी सफाई देते अंदाज में वो वफ़ा से बोला वो तनजन मुस्कुराई वही तो तुम अपने घर वालों के लिए अभी बच्चे हो तुम अभी इतने इंडिपेंडेंट नहीं हो कि अपनी मर्जी से घर से बाहर वक्त गुजार सको कहीं जाते हो तो अपनी कज़न को साथ लेकर और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शौहर सिर्फ मेरा हो उससे जुड़े लोग बिला वजह हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करें क्या तुम मुझे इस बात की गारंटी दे सकते हो वो बिल्कुल चुप हो गया कहने को कुछ बचा ही ना था नहीं दे सकते जिसकी चच्ची उसके औक़ात कार पर नज़र रखे वो अपनी बीवी को महफूज माहौल कैसे दे सकता है वलीद का चाह अभी उठी और यहाँ से भाग जाए उस पर वाजिया हो गया था अगर वफा से ताल्लुक जोड़ा तो बहुत से लोगों से तोड़ना पड़ेगा कुछ भी कहे बगैर वो वहाँ से उठ गया घर पहुँचा तो बहुत सी सोचे उसके घर घेरा डाले घूम रही थी वो माँ और चची की सुने बगैर अपने कमरे में आ गए इनशर नजर नहीं आई थी शायद अपने कमरे में थी अभी फ्रेश होकर थका थका सा वजूद बेड पर फैलाया ही था कि मोबाइल पर बजने वाले मैसेज स्टोर ने चुमका दिया दिली से स्क्रीन पर का मैसेज देखा पर पोस्ट कर डाला हाल चाल ही पूछते रहे बे इरादा ही ध्यान इंशरा की तरफ चला गया बेदहानी में वो इंशरा और वफा का मुआजना करने लगा इंशरा के साथ वक्त गुजारते हुए उससे अर्सा हो चला था वो उसकी अच्छी बुरी सब आदा से बाहूबी वाकिफ था तो किन बातों पे खुश होती है किन बातों पे वफ़ा ये सब भी किसी हद तक जानता था वो इंशरा को अदा तो अतवार में वफा से ज्यादा नंबर देने पर मजबूर हो गया वो सोचने पर मजबूर हो गया कि चलो फर्ज करो अगर वो वफा के साथ वक्त गुजारता है दोनों तो की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो क्या वफा उसके खानदान में ऐसे घुल मिल जाएगी जैसे कि इंशरा या फिर वो उसकी हाथिर अपने खानदान को छोड़ने का इंतहाई फैसला कर लेगा चंद रोज़ पहले वाला वाक्य उसके दिमाग में घूम के जब मामा की तबीयत बहुत खराब थी उनका बी शूट कर गया था चची माँ और इंशरा ने उनका कितना ख्याल रखा था ख़ासतौर पर इंशरा ने दवाइयों के औकात का ख्याल पर का ख्याल और न जाने क्या किया क्या, क्या वफ़ा इस तरह ही उसकी माँ का ख्याल रख सकेगी उसका दिमाग इस तरह की सोचों की अमाज का बना हुआ था छटकने के बावजूद सोचे पीछा किए जा रही थी अब अगर मैं इंशरा के लिए यहाँ कर देता हूँ तो मामा क्या सोचेंगे कल तक जो शख्स एक बात के लिए इनकार किए जा रहा था और सो सो बातें सुना रहा था आज वही बात उसकी ख्वाहिश कैसे बन गई फर्स करें। अगर घर वाले या मामा सवाल नहीं भी करती तो इंशरा क्या इंशरा मान जाएगी जो शायद मुझे देखना भी पसंद नहीं करती जो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी वलीद आईने के सामने बैठा अपने फैसले का हर रुख से तज् करता जा रहा था जब से ये सिलसिला शुरू हुआ था तब से ये दूसरी रात थी जिसमें वलीद की आंखों ने रत जगह में वक्त काटा उस दिन के बाद से वलीद ने खुद को बहुत मसरूफ़ कर लिया जीनत उससे इस हदशा की तस्दीक चाह रही थी जिसका इजहार जैनब ने किया था वो दोनों उस पर यकीन करने में मुतमिल थी जीनत जब भी वलीद से बात करने की कोशिश करती वो टाल जाता मामा बहुत भूख लगी है खाना दे आता और खाते ही निकल खड़ा होता मामा उम्र की तरफ हूँ कंबाइंड स्टडीज़ के चक्कर में पूछने पर बहाना तैयार मिलता उसने तो इंशरा से भी बातचीत बंद कर रखी थी उसके पेपर्स पहले भी हुए थे मगर अपने तलीमी अदवार की तारीख में वलीद पहली दफ़ा इस कदर पढ़ाई कर रहा था वलीद को सिर्फ दादाजी का इंतजार था और दादा की शाही सवारी आ चुकी थी एयरपोर्ट पर सब इंतहाई गर्म जोशी मिली ऑस्ट्रेलिया के मौसम ने उन पर बहुत अच्छा असर डाला था सेहत भी अच्छी थी और रंगत भी काफी निखरी निकरी लग रही थी दादाजी आप तो फिर से जवान हो गए हैं क्या ख्याल है रिश्ता ढूंढू वाली इतने शौखी से दादाजी को छेड़ा हम्म मैं पहले बूढ़ा था क्या दादाजी छिड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थे उसी खुशगवार माहौल में रात का खाना खाया गया और दादाजी को आराम का मौका मुश्किल दिया गया क्योंकि वो बहुत थक चुके थे वरना इंशरा का मूड तो गिफ्ट देखने का हो रहा था सीनर ने डांट टपट कर उसे बास रखा अगली सुबह दादाजी ने अपने तमाम दोस्त निपटाए जिनसे मस्जिद में या पार्क में दोस्ती परवान चढ़ी थी मोहल्लेदारों का हाल पूछा इंशरा और वरीद वगैरह में तोहफे तहफ पांटी और तमाम दिन इंतहा मसरूफ गुजारा शाम को अपने दोनों बेटों और बहुओं को अपने कमरे में बुलाकर वो मीटिंग रख ही ली जिसका इंतजार सबको था वलीद सफी तो तो हो ही जाएगा उसे वलीद की बंदूक वाली बात याद आई उसका दिलचहा चुपके से जाए और बंदूक छुपा दे खौफ से टांग का हाँ तो भी लर्जिश उतर आई वो बेदहानी से आयतुल कुर्सी पढ़ पढ़ कर वली कमरे की तरफ मुंह करके फूंक रही थी। के तो के एन से, से, छूटते छूटते से निकल आए और मायने हेस नजरों से घबराई हुई इन्शरा की तरफ देखा वो जल्दी से उसके करीब आई अब क्या होगा वलीद वो घबराहट के मारे बोली कुछ नहीं होता यार वो उसका इतमान

निगाह झुका गई और वो दोनों मुलजमों की तरह हाथ बांधे दादाजी की अदालत में एन उनके सामने खड़े हो गए आपने बुलाया दादाजी वलीद की बहादुरी काबिल सतश थी मगर वो आयतल कुर्सी का विद छोड़कर उसको सरा नहीं सकती थी दादाजी ने दोनों को सर से पाऊ तक देखा और जोरदार हंकारा भरा तो वलीद मियाँ आपके इल्म में होगा कि मैंने तुम दोनों को जिंदगी भर के बंधन में बांधने का फैसला किया है मगर सुनने में आया है कि आपको मंजूर नहीं उन दोनों के छुके सर को देखकर मजीद गोया हुए उनका रोए सुखन दीद था इनशर तो आंखें बंद किए एटम बम गिरने का इंतज़ार करने में मसरूफ़ थी नहीं तो दादाजी मुझे तो आपका हर फैसला मंजूर है वलीद छट खोया हुआ और अंदाज ये था कि मैं तो ना मंजूर करने का सोच भी नहीं सकता दादाजी के चेहरे के उजलात एकदम ढीले पड़ गए तनजिया कैफियत जो झुड़ियों में अटक गई थी बहरात बनकर उठने को थी एकदम सरशार होकर उन्होंने इनशरा की तरफ अपना रुख किया जो वाकई धमाकों की जद में थी तो क्या इंशा को इतराज़ है इन को दादाजी के होंठ हिलते नज़र आए बात पल नहीं पड़ी क्योंकि वो वलीद की चलाकियों पर हैरान और पशुमान तमाम आयात जिनका विरद कर रही थी भुला चुकी थी वलीद ने जोर का टहोका दिया उसको हाजिर रखने के लिए क्योंकि दादाजी महवे इंतज़ार थे जी उसने वलीद की तरफ कच्चा कच्चबा जाने वाली नजरों से देखा मैंने पूछा मेरे फ़ैसले से तुम्हें अतलाफ़ है ये था मगर अंदाज था तुम्हारी ये जरूरत नहीं दादाजी मैं आपकी बात से अहतलाब कर सकती हूँ भला बात मुकम्मल करके फातिहाना नजरों से वलीद की तरफ देखा अपने कंधे पर बंदूक मैं भी नहीं रखने दूंगी नजरों ही नजरों में पैगाम देकर दादाजी की तरफ देखा जो बहुत खुश थे और अपनी जगह से उठकर खुशी में उन दोनों को अपने साथ लगा लिया मुझे फख्र है तुम दोनों पर कुछ याद आने पर दुरुस्त लहजे में बोले ज़रा बुलाओ ना अपनी माओ को और बापों को माओ और बापों की इसल ने दोनों के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दी दादाजी दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे अपने बच्चों की क्लास लेने के लिए जिन्होंने उनके फर्मा बरदार पोती पोते के बारे में उल्टी सीधी खबरें देकर उनका खून खुश्क कर दिया था वो दोनों बाहर निकले पैगाम दिए और अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए इन अपने कमरे के मुख्तर एरिया में दाएँ से बाएँ और बाएँ से दाएँ घूमती दाएँ हाथ का मुक्का बनाकर पाएँ हथेली पर मारती सारे प्लान को चौपट होता देख रही थी मगर ये मशला जारी रखने से बेहतर था प्लान को सत्यानाश मारने वाले को पकड़ा जाए चंद सेकंड्स के वक्फे के बाद वो वलीद के कमरे में थी जो इंतहाई इनहमाक से लैपटॉप पर मसरूफ था गया उसने कुछ किया ही नहीं इंशरा का दिल जहा उसको लैपटॉप में रखे और जोर से बंद करते ये क्या हरकत की है तुमने बहुत ज़बर से पूछा क्या मतलब अपनी असाइनमेंट चेक करा हूँ कुछ पॉइंट्स एडिट कर रहा हूँ कुछ ऐड कर रहा हूँ क्यों हाय रे मासूमियत दादाजी के कमरे में जो एडिट करके ऐड कर कराए हो उसका पूछ रही हूँ वफा को कर रहे थे शादी मुझसे करने की हामी भर भराए हो सठिया तो नहीं गए उसकी कनपट्टी पर दो उंगलियाँ रख कर जोर से दबाते हुए बोली गुस्से से बुरा हाल था उसका वलीद ने मुद्बराना मुस्कुराहट से उसे देखा और लैपटॉप बंद करके एक तरफ कर दिया हाँ अब बोलो क्या कह रही थी इतमान से रुख सीधा किया मैं फ्रेंच नहीं बोल रही वलीद अगर तुम ये समझते हो कि घरों और हसूसन दादाजी की खुशी की खातिर तुम मुझसे शादी कर लोगे और बाद में अपनी मर्जी से वफा से प्यार रचा लोगे तो ये तुम्हारी भूल है मैं अपने साथ ये ज्यादाती नहीं होने दूंगी चंद दिन पहले जब लड़की नहीं मिल रही थी तो वलीद ने इंशरा को यही तजवीज़ थी थी जो अचानक इंशरा को याद आ गई उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई क्या यादद्त है तुम्हारी तुम फिक्र ना करो मैं सिर्फ तुमसे शादी करने वाला हूँ सिर्फ तुम पर जोर देते हुए बोला वही तो मैं पूछ रही हूँ क्यों वो तिनक कर बोली उससे वलीद का इत्मीनान गुस्सा दिला रहा था भाई मैंने सोचा मैं वफा से शादी कर लू और बाद में दादाजी उससे गुजरा वाला किसी दंगल में छोड़े तो मैं तो फिर बेचारे का बेचारा वो मजाक में बात उड़ा रहा था शट अप वलीद इतने संजीदा मामले में तो संजीदा हो जाओ क्या तुमने वफा से बात नहीं की थी वो बेबसी से बोली की थी बात वो भी थोड़ा संजीदा हुआ और बात करने के दौरान मुझे पता चला कि मेरी उसके साथ कभी जहनी हम आहंगी नहीं हो सकती और जब मियाँ बीवी में जहनी हम आहंगी ही ना हो तो रिश्ते में अदम इस्तेहकाम आ जाता है और आए दिन लड़ाई होती है कहता कहता वो एकदम शरारती हुआ मैंने सोचा जब लड़ना ही है तो तुमसे बेहतर लड़ाई किसके साथ हो सकती है लेकिन तुम तो मुझे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे सारी उम्र कैसे निभाओगे वलीद नापसंदीदा शख्सियत से समझौता तो किया जा सकता है शादी नहीं वो दीवार के साथ रखी कुर्सी पर थके थके, थके अंदाज में बैठ गई इंशरा मैंने ये फैसला दिल की पूरी रजामंदी के साथ किया है हाँ अगर तुम्हें मेरा साथ कबूल नहीं तो तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम मैं खुद पर फर्ज समझता हूँ वो तमाम गुफ्तगु में पहली बार संजीदा हुआ था इंशरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तुम्हें तो वफा से सच्ची मोहब्बत हो गई थी चंद दिन पहले उसके सवाल को गोल करते हुए वो अपने हदशे का इजहार करने लगी और वलीद ने तीखे चतूनों से उंगलियां चटाती इंशरा को देखा उस जुमले में हल्की सी रज़ामंदी की बू थी मोहब्बत नहीं थी यार मोहब्बत करने की कोशिश थी क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि मोहब्बत की नफ़रत कोशिश से करने वाली चीज़ें नहीं हैं ये तो जज्बे हैं खुद बहुत दिल के चश्मों से फूटते हैं और वो जरा सा रुका और इंशरा के हाथ हाथों में ले लिए और

और ये गारंटी कौन देगा कि आपकी बात जज्बे खालिस और खरे हैं वो मानने को कतन तैयार ना थी मेरी आंखें उसने बिला तोकफ़ कहा और ये गारंटी कौन देखा कि कुछ अरसे बाद तुम्हें किसी और से इस किस्म की सच्ची मोहब्बत ना हो जाएगी वो तिनक कर बोली हाँ अब इस बात का दारो मदार तुम पर है कि तुम मुझे कितना अपनी मोहब्बत की तनावों से बांध कर रखती हो उसने भी उसके अंदाज में जवाब दिया और फिर कहेंगे बीवी ने कैद करके रखा हुआ है वो एकदम हल्की फुल्की हो चुकी थी तुम फिक्र ना करो इस असीरी के लिए तो पल पल तड़प रहे हैं तुम्हें कोई ताना नहीं मिलेगा अब कुछ नहीं बोली थी अब तो तुम्हें कोई इतराज नहीं ना वो मोहब्बत के लहजे में पूछ रहा था मैं तुम्हें क्यों बताऊं तुम मेरे मामे लगते हो अपने असली अंदाज में कहते हुए वो हंसी हाथ छुड़ा चुकी थी उसकी हंसी में छुपे इकरार के तमाम लफ्ज़ खिलखिला उठे तमीज से बात करो होने वाला वो हूं तुम्हारा वो मसनू गुस्सा चेहरे पर सजा कर बोला मगर समाते बाहर से आने वाले शोर की तरफ मतवजा हुई जो लम्हा बा लम्हा भड़ता जा रहा था अब जाहिर है दादाजी ने उनके माँ और पापों को नगमे सुनाने के लिए तो कमरे में बुलाया नहीं था वली जूते खाने के लिए बिल्कुल तैयार था शुमाल और जनूब हमेशा के लिए एक होने जा रहे थे ये मत समझें कि बिना मुफात के मुफात था मगर वसी तर मुफात घर के दरों दीवार में महती मोहब्बतों के लिए